मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको देखकर, उत्साहित मन और प्यार से प्रभु की उपस्थिति में बहुत अच्छा से उसकी आराधना कर रहे बच्चे लोग। उसके लिए मेरा दिल खुश हो गया और इतना ठंडा भी लग रहा था और ये शॉल भी मुझे मिल गई। आप लोग का ये निशानी हमेशा मेरे साथ रहेगी, है ना, ठंड लगने के लिए। और मुझे बहुत खुशी हुई, आप लोग को खुशी हुई, हालेलुया, तब तो बहुत अच्छी बात है। प्रभु आपको आशीर्वाद दे। मैं पहले आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। क्या आपके इस गांव का नाम धापा खेल? ओके, प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी कि तू हमें यहाँ नेपाल के अंदर इस गांव धापा खेल में लेके आया और इस कलीसिया ने, इन बच्चों ने, इन भाई बहनों ने बड़े प्यार से, आदर मान से प्रभु तेरी दासी का स्वागत किया है। तेरे वचन में लिखा है जो कोई किसी प्रभु के दास का स्वागत करते हैं वो उसका प्रतिफल पाएंगे, और वो जो प्रभु तेरे दासों को ग्रहण करते हैं वो तुझे ग्रहण करते हैं और तू उसका प्रतिफल उनको देगा। प्रभु इन्होंने बहुत प्यार से तेरी दासी को तेरी बेटी जानकर अपने चर्च में हमें बोलने का मौका दिया है। मेरे जीवन में घटित जो भी प्रभु आश्चर्य कर्म है प्रभु जी, जो तूने मेरे जीवन में किए, उनको मैं यहाँ पर बताने जा रही हूँ। पिता परमेश्वर, उनके द्वारा तेरे नाम को महिमा मिले। तू महान जीवित सामर्थी परमेश्वर है, तूने जिंदा किया और मुझे ठहराया कि मैं तेरी गवाही दे सकूँ। सो पिता परमेश्वर, मेरे होठों को छू और उससे जो कुछ निकले उसके द्वारा प्रभु तेरे नाम को महिमा आदर और सम्मान मिले। दयालु पिता परमेश्वर, इस नगर को आशीषित कर, इस गांव को आशीषित कर, एक एक परिवार को आशीषित कर, इनका चर्च और कलीसिया को आशीषित कर। यहाँ जितने भी लोग यहाँ बैठे सुन रहे हैं या इस मैक के द्वारा जहाँ तक ये आवाज़ जा रही है प्रभु जी, उनको भी और उसके बाद भी जो लोग वीडियो के द्वारा भी सुने, उनको भी तू बहुत आयत से आशीष दे। दया कर पिता, इस प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर, प्रभु यीशु के मधुर मीठे नाम से मांगती हूँ। आमेन, आमेन। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर, कितना लोग को ये विश्वास है, हाथ उठाएंगे और यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच में ये सच्चाई है और ये आज से नहीं, ये पृथ्वी के आरंभ से ही है। और जिसको हम लोग बाइबल में पाते हैं, कई जगहों पर इस विषय में कहा गया है, वो प्रभु यीशु जो इस संसार को जीवन देने के लिए आया, 2000 साल पहले माता मरियम के गर्भ से उसने जन्म लिया और पूरे संसार को उसने पाप से मुक्ति दिया। आज हर एक देश, हर जाति, हर एक समुदाय के लोग प्रभु के चरणों में इसीलिए आ रहे हैं। मैं भी पंजाबी हूँ, सरदार कौम से हूँ, और पंजाब से प्रभु जी ने हमारे परिवार में बहुत अद्भुत कार्य किया और हमारे पंजाब से ही सबसे पहला प्रभु का दास साधु सुंदर सिंह को चुना। पंजाब, ये शब्द को आप जानते हैं, पंजाब का मीनिंग मालूम है? स्कूल में बताते हैं ना, पंज मतलब पांच, आब मतलब नदियां, पांच नदियों का देश को पंजाब कहा जाता है, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि उसी पंजाब से प्रभु ने अपने लिए पांच बड़े बड़े गवाह चुने हैं। उसमें सबसे पहला साधु सुंदर सिंह, जिन्होंने सारी दुनिया में जाके प्रभु का प्रचार किया। आपने नाम सुना है, किताब पढ़ा है ना, साधु सुंदर सिंह का। उसके बाद थे साधु करतार सिंह, शायद नाम नहीं सुना, वो भी तिब्बत में जाके प्रभु के लिए बलिदान होके मरे थे। उनको भैंसा का चमड़ा के अंदर बांध के, उनको मार मार के, उनको भैंसा का चमड़ा के अंदर बांध के पूरा सिलाई करके धूप में डाल दिया था पत्थर के ऊपर, और वो तड़प तड़प के मर रहे थे।
लेकिन मरते मरते भी उन्होंने कहा ऐसा कितनी भी जिंदगी मिले मैं यीशु के लिए कुर्बान कर दूंगा। तो वो इस तरह दूसरे हमारे पंजाब से दूसरा प्रभु का गवाह था जिसने सारे संसार में जाके प्रभु का प्रचार किया। तीसरा था ब्रदर भक्त सिंह, नाम सुना है ब्रदर भक्त सिंह का? वो भी एक बहुत बड़े इंजीनियर थे, इंग्लैंड में पढ़ते हुए प्रभु को ग्रहण किया और उसके बाद पूरा दुनिया में उन्होंने 600 चर्च बनाए जगह जगह जाके और बहुत मिनिस्ट्री किया। वो तीसरे नंबर पे। चौथा नंबर पे थे साधु किशन सिंह। साधु किशन सिंह का नाम सुना आपने? हाँ, किताब भी पढ़ा कुछ लोगों ने। वो थे मेरे बड़े भाई साधु किशन सिंह, चार नंबर पे। और पांच नंबर पे प्रभु ने किसको चुना? शांता कौर को, मुझे। यस, प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर ने, ऐसे तो और भी बहुत से लोग हुए हैं, कोई पास्टर के रूप में, कोई एवेंजलिस्ट के रूप में, परंतु सारे संसार में जाके सुसमाचार प्रचार करने वाले, पूरी तरह से घर बार सब कुछ छोड़ के साधु बन के निकलने वालों में से, या प्रभु के महान गवाह बन के निकलने वालों में से, पंजाब पांच नदियों के देश से पांच लोगों को प्रभु ने चुना है। हालेलुया, जोरदार तालियां पंजाब। हमारा एक ही लक्ष्य है, हमारा एक ही उद्देश्य है, हम एक ही बात चाहते हैं, सारे दुनिया को जाके प्रभु का नाम का महिमा करें, गवाही दें। हमारा यीशु जिंदा परमेश्वर है, ये बात सबको बताने के लिए प्रभु ने हमें पवित्र वचन दिया है और उसी को लेके सारी दुनिया में हम घूम रहे हैं। और ये ही आपको भी मैं बताने आई हूँ और मैं आपके पास आई हूँ। आपको लग रहा होगा ना, दीदी हमारे यहाँ आई है, कितना अच्छा है। कोई कोई बच्चे लोग मुझे ग्रैंड माँ बोलते हैं, नानी बोलते हैं, दादी बोलते हैं, आंटी बोलते हैं, है ना? आपकी दादी हूँ ना मैं, नानी हूँ, आंटी हूँ। कोई मम्मी लोग है, माँ लोग है, बहन लोग है, वो बोलते हैं हमारा सिस्टर आया है ना। तो सिस्टर, नानी, दादी जब कहीं से आते हैं तो कुछ लेके आते हैं ना, इधर है ऐसा रिवाज है, मिठाई का डिब्बा लेते हैं, गांव से कुछ सामान लेके आते हैं ना। हमारे पंजाब में तो ऐसा ही होता है, कहीं किसी के घर जाए नानी दादी, वो बैग भर के मिठाई लेके आते हैं। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे हमारी सिस्टर शांता कौर आई है हमारे लिए मिठाई का डिब्बा लाई है, ऐसा सोच रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं मिठाई से भी ज़्यादा अच्छी चीज़ लेके आई हूँ। क्या लाई हूँ मालूम है? क्या लेके आई हूँ? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। हमारे पंजाबी में कहते हैं कलाम, बाइबल का वचन को क्या बोलते हैं? कलाम, रब दा कलाम, मतलब प्रभु का वचन। इतना अच्छा एक गाना है हमारे पंजाबी में, आपको पंजाबी गाना सुनने का मन है? हैं, सुनाए थोड़ा सा सुनाती हूँ। आप तो बहुत अच्छा नेपाली में गाते, मैं नेपाली गाना भी सीखूंगी फिर आपको बताऊंगी, लेकिन अभी पहले पंजाबी से गुजारा कर लेते हैं। वो है रब दा कलाम लेके आई हा, यीशु दा सलाम लेके आई हा, यीशु दा सलाम लेके आई हा, रब दा कलाम लेके आई हा, यीशु दा सलाम लेके आई हा, आई हा, यीशु दा सलाम लेके आई हा। ओ दे बिना असी किस कम दे, ओ दुनिया च हा कड़ी दम दे, ओ दे बिना असी किस कम दे, ओ दुनिया च हा कड़ी दम दे, ओ उस तो अनाम लेके आई हा, यीशु दा सलाम लेके आई हा, आई हा, यीशु दा सलाम लेके आई हा,
रब दा कलाम लेके आई हां, यीशु दा सलाम लेके आए हां, आए हां, यीशु दा सलाम लेके, यीशु ते ईमान दा नतीजा ए ओ, ओदे फरमान दा नतीजा सलाम लेके आए। मालूम है यीशु का शांति, यीशु का सलाम। आपको मालूम है सलाम बोलते हैं आप लोग? हाँ, मैं आपके पास प्रभु का वचन लेके आई हूँ और यीशु के शांति, यीशु का सलाम, यीशु का आशीर्वाद लेकर आई हूँ। खुशन लेना चाहते हो आप लोग? हालेलुया। सबसे कीमती तोहफा है ना ये, तो प्रभु का धन्यवाद। और इसमें क्या कहा, यीशु के बिना हम कुछ भी नहीं है, ओदे बिना असी किस काम दे, मतलब प्रभु के बिना हम किस काम के, प्रभु नहीं है हमारे जीवन में तो हम किसी काम के नहीं हैं, और उसके बिना बगैर हम जी नहीं सकते। उस पे ईमान करके ही हमें चलना है, उस पे ईमान रख के चलने से ही हमें सब कुछ मिलता है। तो ये सारी बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ कि प्रभु यीशु पे विश्वास करने के बाद ही हमें सब कुछ प्राप्त हुआ। हमारा घर खुशियों से भर गया, हमारे घर में आनंद आ गया, हमारे घर में खुशी हो गई। यूहन्ना 16:22-23-24 से पढ़ेंगे। यूहन्ना 16:22-23-24 जिसको भी मिले जल्दी से पढ़ दीजिए, नेपाली में पढ़ दीजिए। यूहन्ना 16:22-23-24 पद। जिसको मिले पढ़ दीजिए। क्या बोले, अब तक तुमने मेरा नाम लेके कुछ नहीं मांगा, मांगो तो तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। पहले क्या बोला, 21 में कहा है तुम्हें अभी तो शोक है, दुख है, परेशानी है, चिंता है, घर में अशांति है, गरीबी है, बीमारी है। उस समय कैसा होता है घर में, दुख होता है ना। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं, मैं तुमको मिलूंगा और तुम्हारा मन खुशी से भर जाएगा और तुमसे वो खुशी कोई नहीं छीनेगा। मैं पिता से कहूंगा, वो तुम्हें देगा। 24 वर्स में कहता है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। इसको थोड़ा चलाएंगे। तो प्रभु हमें एक प्रॉमिस कर रहे हैं, यहाँ पर वायदा है यीशु मसीह का। क्या है वायदा, वो क्या कहता है, तुमको दुख है, मैं तुम्हारा दुख दूर कर दूंगा, तुमको खुशी दूंगा, लेकिन तुमको किसके नाम से मांगना है, यीशु मसीह के नाम। किस नाम से मांगना है,
यीशु नाम से हम लोग गाना गाते, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है मुक्ति, वो नाम है यीशु नाम। तो ऐसे ही बात यहाँ पे प्रभु यीशु ने भी यही बताया, मेरे नाम से मांगोगे तो तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। किसके नाम से? यीशु के नाम से मांगना है। तो हमें ये बात 1925 में मेरा मम्मी पापा का शादी हो चुका था, शादी को 12 साल हो गए, कोई बच्चा नहीं था, और पापा बहुत बड़े अमीर आदमी, जमींदार, बहुत करोड़ों का जायदाद का मालिक, बहुत नौकर छाकर, और पापा डीसी था, बहुत बड़ा ऑफिसर, घोड़ा गाड़ी सब कुछ घर में, लेकिन घर में खुशी नहीं था, दुख था। दुख का कारण बच्चे नहीं हैं। बहुत डॉक्टरों के पास गए, बहुत जगह जगह इलाज कराए, बहुत बाबा लोग के पास, साधु संतों के पास, मंदिर मस्जिद तीर्थ स्थान सब में गया, कहीं से भी कुछ नहीं मिला। हमारा पंजाब में गोल्डन टेंपल है, उसमें भी मेरे पापा ने 4 kg गोल्ड वहाँ पर डोनेट किया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला, और एकदम निराश बैठे थे। साधु सुंदर सिंह मेरी माँ के भाई थे, वो मेरी माँ को मिलने के लिए आए। मेरा माँ बहुत रोया अपना भाई को मिलके। अरे क्यों रो रहे बहनी? बहनी आपका घर में तो सब कुछ है, इतना धन दौलत, इतना बड़ा कोटी बंगला, तुमको रोने का क्या जरूरत है? माँ बोला, सब बेकार है, ये सब रहने से क्या फायदा, अपना एक भी औलाद नहीं है, बच्चा नहीं है, तो ये सब किसके लिए? सही बात है, शादी होने के बाद अगर घर में बच्चा नहीं हो तो घर में सूनापन रहता है ना, खुशी नहीं होती है। तो साधु सुंदर सिंह ने बोला, आपने प्रभु से मांगा क्यों नहीं? प्रभु से मांगने से तो देगा। मेरी माँ कहती, हम बहुत मंदिर में गया, बहुत पूजा किया, बहुत जगह जगह। अरे नहीं नहीं नहीं, एक जगह जाना है, वहाँ से सब कुछ मिलता है, उसका नाम है यीशु मसीह। उसके पास गया, बोलते नहीं, यीशु के पास तो हम लोग नहीं मांगा, यीशु से मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। किससे मांगेंगे? यीशु से। यहाँ वहाँ जाएंगे तो नहीं मिलने वाला, यीशु के पास मिलेगा। मेरी मम्मी, मेरे पापा उसी वक्त नील डाउन हो गए। हाँ, हमें विश्वास है यीशु पे, हम विश्वास करते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करो। तब साधु सुंदर सिंह ने बाइबल खोल के ये वचन भी, और मैथ्यू 18:18-19 में, मत्ती 18:18-19-20 पद भी पढ़ के बताया। मत्ती 18:18-19-20 वहाँ पर लिखा हुआ है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। जो कुछ वो पृथ्वी पर बांधते हैं वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ यहाँ खोलेंगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। साधु सुंदर सिंह ने कहा, आप दोनों भी और मैम भी, हम तीनों मिलके यहाँ पर प्रभु से मांगते हैं, हम बांधते हैं इस घर की ब्लेसिंग, आपको मिले, आपको बच्चा मिले, और स्वर्ग में प्रभु जरूर सुन लेगा। आप विश्वास कीजिए, अगर आप विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखने सकोगे। और इतना कह के साधु सुंदर सिंह ने दोनों हाथ रख के प्रार्थना किया, मेरा मम्मी पापा को दोनों को नील डाउन है, प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद उनको प्रभु ने दर्शन में बता दिया, और प्रभु का दास साधु सुंदर सिंह ने मेरा मम्मी पापा को बताया, आप चिंता मत करो, अगले साल तुम्हारे घर में बच्चे होंगे। क्या बोला? बच्चे होंगे, बच्चा होगा नहीं बोला, बच्चे होंगे। तो बच्चे होंगे मतलब ज़्यादा बच्चे होंगे, है ना? तो ठीक, प्रभु ने वैसे ही किया। दूसरा साल 1926 में 22 जुलाई का दिन मेरी माँ ने 2 बेटा को जन्म दिया, एक ही साथ दो बेटा, और एकदम मोटा मोटा सुंदर, पूरा शहर का लोग जमा होके, अरे बाप रे, इतना बड़ा खुशी, एक भी नहीं होता था 12 साल, अभी हुआ तो दोनों एक ही साथ, और दोनों बेटा हुआ है, और दोनों मोटा मोटा बच्चा, खुशियाँ मनाई, बहुत बड़ा पार्टी, बहुत लोग आ गए, पूरा शहर का लोग आ गए, बड़ा बड़ा ऑफिसर लोग भी, बहुत गरीब लोग को मेरा पापा बहुत दान दिया, सब लोग का, हमारे पंजाब में नाचने गाने वाले भी आ गए, वो लोग को भी बहुत गिफ्ट वगैरह दे के भेजा, बहुत बड़ी खुशी मनाई जा रही थी। उसी समय साधु सुंदर सिंह आ गए,
साधु सुंदर सिंह देखने आए, मेरी प्रार्थना का उत्तर मिल गया कि नहीं? और साधु सुंदर सिंह ने आके मेरा पापा को पूछा, बोलो मेरा प्रभु ने मेरा प्रार्थना का उत्तर दिया है कि नहीं? मेरा पापा बोलते, दिया है आपका प्रभु ने, हमारा प्रभु ने हमें डबल आशीर्वाद दिया है। कितना? डबल, दो दो बेटा दिया है। और वो अंदर लेके आए मेरी मम्मी के पास, मम्मी ने दोनों बच्चों को साधु सुंदर सिंह को दिखाया। साधु सुंदर सिंह बहुत खुश हुए और उनको बोला, बहन प्रभु ने दिया, अपना काम प्रभु ने कर लिया, ठीक है, अभी तुमने प्रभु के लिए क्या करना है मालूम है? हम लोग प्रभु से मांगते रहते हैं, लेकिन प्रभु को क्या करते हैं हम लोग? क्या देना है प्रभु को? धन्यवाद देना है और धन्यवाद की भेंट भी देना है, मालूम है आपको? हम लोग खाली मांगते रहते हैं, प्रभु ये दे दे, प्रभु वो दे दे, प्रभु ये मिल जाता है तो खुशी, थैंक यू। हम लोग सोचते हैं अरे हमारा परिश्रम से हमको मिल गया, ऐसा नहीं। साधु सुंदर सिंह ने बताया, परमेश्वर का भाग परमेश्वर को देना है, आपका भाग आप रखना है। हाँ, वो कौन सा है भाग बताइए? तो साधु सुंदर सिंह ने बाइबल से बताया, पहला भाग परमेश्वर का है और दसवां भाग परमेश्वर, मालूम है आप लोग को? पहला भाग मतलब हर चीज का पहला फल, पेड़ का फल हो या सब्जी का हो या खेत का धान का हो, पहला वाला हम प्रभु को देना है। और अगर पेट का फल का, इसको बोलते पेट का गर्भ का फल, बच्चा, पहला बच्चा भी प्रभु का आशीष का होता है, उसको प्रभु के लिए डेडिकेट करना है। तो ये पहला बच्चा, इसमें जो दो पहला है उसको प्रभु के लिए अर्पण करना है। इतने सालों के बाद दो बेटा एक साथ मिलाए, दोनों को गोद में लेके, एक को पापा एक को मम्मी लेके, कितना खुशी हो रहा है। लेकिन जैसे साधु सुंदर सिंह बोला पहला बेटा प्रभु को दान करना है, तुरंत मेरा माँ बोला, हाँ मैं दूंगी, मेरे बेटा को मैं प्रभु को देने को तैयार हूँ, पहला बेटा ये है मेरा, बोल के मेरा माँ ने पहला जो जन्म आया दुनिया में पहले आया उसको साधु सुंदर सिंह की गोद में डाल दिया। साधु सुंदर सिंह ने उसको गोद में लिया, लेने के बाद छोटे छोटे हाथ थे बच्चे के, ऐसे प्यार से खोल के देखना शुरू किया। जैसे उन्होंने हाथ खोला, दोनों हाथों में क्रूस का निशान और उसके ऊपर ऐसे राउंड चक्कर बना हुआ था, ऐसे ये रेखा है ना, ये रेखाओं में ऐसे लाइन है, ऐसे है और ऊपर ऐसे राउंड बना हुआ था। तो गोल चक्र देख के और क्रूस देख के साधु सुंदर सिंह ने कहा, देखो इस बच्चे के हाथों में प्रभु ने जन्म से ही क्रूस का निशान दे के भेजा है, इसको प्रभु ने अपने लिए चुन लिया है, ये उसका सेवा करेगा और सारी दुनिया में क्रूस उठा के जाकर सबको सुसमाचार प्रचार करेगा। इतना सुन के हमारे मम्मी पापा बहुत खुश हो गए, ठीक है बहुत अच्छी बात है। और साधु सुंदर सिंह ने उसी वक्त उसको प्रभु के लिए डेडिकेट कर दिया और उसको नाम भी दे दिया, बोला ये साधु किशन सिंह कहलाएगा, क्रॉस इसका हाथ में है ना, इसलिए इसको साधु किशन सिंह का नाम से मैं वो करता हूँ, ये क्रूस उठा के चलने वाला प्रभु का शेर बनेगा और सारी दुनिया में जाके प्रभु का महिमा करेगा। और इतना ब्लेस करके साधु सुंदर सिंह बोले, अपना सब चीज़ का दसवां भाग भी प्रभु को देते रहना। मेरा मम्मी पापा ने कहा, हम आज ही करेंगे, सारी संपत्ति में से रुपया पैसा कपड़ा अनाज सोना गहना हर चीज़ का दसवां भाग गिन के मेरा मम्मी पापा ने गरीब लोग को बांट दिया। उधर चर्च नहीं, पास्टर नहीं, साधु सुंदर सिंह तो कोई पैसा किसी से लेते नहीं थे, गरीब लोगों को बांटने के लिए बोला, वो सब गरीबों को बांट किया। और बांटने के बाद हमारे पापा बहुत खुश हो गए, 3 करोड़ के मालिक थे, प्रभु ने उनको और ज़्यादा दे के 30 करोड़ के मालिक बना दिया, हालेलुया, 10 गुना ज़्यादा प्रभु ने दे दिया। 2 बेटों के बाद बच्चों की लाइन लगनी शुरू हो गई, एक के बाद एक, एक के बाद और 5 बेटा हो गया और 3 बेटियां हो गई, सब मिलके 10 बच्चे हुए, मैं हूँ नंबर 10 और मेरे बाद ही हुई बस। तो इस तरह परमेश्वर ने हमारा घर बच्चों से भी भर दिया, धन दौलत से भी भर दिया। और ये है प्रभु का अद्भुत कार्य, प्रभु का अद्भुत चमत्कार कि परमेश्वर ने अपनी आशीष को दिया। व्यवस्था विवरण 24 का 28 का व्यवस्था विवरण, या व्यवस्था विवरण ही बोलते हैं नेपाली में, उसका 28 में 28 अध्याय का 1 से 14 पद में आप देखिए, वो वहाँ लिखा हुआ है
कि यदि तुम परमेश्वर अपने प्रभु की आज्ञा का पालन करोगे, उसकी बात को मान के चलोगे, तो वो तुम्हें इस धरती पर सबसे श्रेष्ठ बनाएगा। और एक वचन से आगे लिखा है, तुम्हें सारी आशीषें मिलेंगी, तुम्हारे घर में भी आशीष होगी, तुम्हारे खेत में, तुम्हारे बच्चों पर, तुम्हारे गाय बैल भेड़ बकरी हर चीज़ पर आशीर्वाद होगा, और तुम बढ़ते चले जाओगे, तुम्हें खरीदना नहीं मांगना नहीं पड़ेगा, तुम बांटते रहोगे तो तुम्हारा ख़त्म नहीं होगा। और ये बात एकदम सच्ची हमारे घर में हुई, प्रभु ने इतना आशीष दे दिया, हमारा घर खुशियों से भर गया। हम दसों भाई बहनों को प्रभु ने अच्छी हेल्थ दी है। मैं आपके सामने बैठी हूँ ना, इतनी मोटी माटी, मैं पतली हूँ अपने घर में, बाकी मेरा भाई लोग सब मोटा मोटा ताजा ताजा। सबको प्रभु ने अच्छा हेल्थ दिया, अच्छा नॉलेज दिया, अच्छा धन संपत्ति दिया, क्योंकि प्रभु जब देता है तो सब कुछ अच्छा होता है। तो इस तरह हमारे परिवार से प्रभु ने हम दो बहन भाई को चुना। पहला भाग भी प्रभु का होता है, और मैं दसवां भाग हूँ ना, 10 नंबर पे मेरा जन्म हुआ, इसलिए मैं दसवां भाग। हम दोनों बहन भाई प्रभु का सेवा के लिए चुन लिए गए। हमारे दूसरे भाई लोग अमेरिका में हैं, 6 ब्रदर और 2 सिस्टर। वो बचपन से ही वहीं जाके पढ़ाई किया, वहीं अमेरिका में अभी सेटल हैं, लेकिन वो प्रभु का सेवा में नहीं है, ऐसे ही हैं। दुनिया भी धन दौलत सब कुछ है, प्रभु का आशीष बहुत है, लेकिन प्रभु उनके अंदर नहीं है, और हम लोग से मिलते भी नहीं हैं, उन लोगों ने हमें छोड़ दिया, लेकिन हमारे प्रभु ने हमें नहीं छोड़ा है, और हम सारी दुनिया में प्रभु का प्रचार करते हैं। मेरे भाई साधु किशन सिंह जब 14 साल की उम्र का हुआ, उस समय हमारा पापा का थोड़ा मन बदल गया था। पापा जी चाहते थे हम घर में रह के प्रार्थना करेंगे, और हमेशा मेरे भैया को बोलते, तुम साधु सुंदर सिंह की तरह साधु मत बनना बेटा, साधु बनने में बहुत कष्ट होता है, दुख उठाना पड़ेगा, गांव-गांव जाके पैदल चलना पड़ेगा, कोई रहने को जगह नहीं मिलेगी, रास्ते में सोना पड़ेगा, लोग मारेंगे पीटेंगे तकलीफ देंगे। अरे अपना घर में इतना धन दौलत है, किस लिए बाहर जाना, घर में रह के सब सीखो, ऐसे बोलते थे। लेकिन मेरी माँ क्या बोली, नहीं तुम यीशु का बेटा है, तुमको मैंने यीशु के लिए दिया, यीशु ने मरकज 16:15-16 में कहा है सारे जगत में जाके सुसमाचार प्रचार करना है। किसकी बात माननी चाहिए, यीशु मसीह की। और वो ही मेरी माँ ने मेरे भैया साधु किशन सिंह को सिखाया, और पापा बहुत नाराज़ हुए, मारा पीटा, रोकने का बहुत कोशिश किया, लेकिन वो 14 साल की उम्र में सब कुछ छोड़ के, घर बार माँ बाप भाई बहन धन संपत्ति कुछ नहीं लिया, खाली प्रभु का वचन लेके वो दुनिया में निकल गए, जगह जगह प्रभु का कार्य करने के लिए। बहुत कष्ट, 14 साल का लड़का कितना बड़ा होता है, कोई ज़्यादा नहीं ना, कितना मुश्किल होता है उस समय चलना। और मेरा मम्मी ने क्या बोला, बेटा ऐसा जगह में जाना जहाँ कोई भी यीशु को नहीं जानता है, वहाँ जाके तुम प्रचार करना, बहुत मुश्किल बात थी ऐसे जगह पे जाना, क्योंकि अगर अभी मैं यहाँ आई हूँ, आप लोग सब प्रभु को जानते हैं ना, आप लोग मुझे कितना अच्छा से आदर से सम्मान करके इधर बैठाया है, लेकिन जहाँ कोई नहीं जाता, ऐसे दूसरा गांव में हम जाएंगे, हम प्रभु को कोई नहीं जानता, वो लोग प्रभु को नहीं जानता, वहाँ जाने से उनको मालूम होगा शांताकर कौन है, वो लोग को कुछ नहीं मालूम होगा, मैं जाके बताऊंगी भी तो वो कहेंगे हम नहीं जानते कौन है, जाओ जाओ आगे जाओ, ऐसे बोल देंगे। तो ऐसी जगहों पे मेरे माँ ने बोला, बेटा ऐसी जगह पे जाके प्रचार करना जहाँ कोई भी यीशु को नहीं जानता, क्योंकि जानने वालों के बीच में तो सब लोग प्रचार करने चले जाते हैं, लेकिन जहाँ कोई नहीं जानता प्रभु को, वहाँ तुम जाके प्रचार करना। तो वो 14 साल की उम्र में ही प्रभु का वचन सुनाने के लिए निकल गए। हमारे पंजाब में पहले बहुत सालों तक वो पंजाब में गांव-गांव में घूम के प्रचार किया, वो पंजाब में अमृतसर की साइड में लाल वो फिरोजपुर है, वहाँ उन्होंने चर्च बनाया, वहाँ बहुत से लोगों के बीच में बॉर्डर के किनारे किनारे जाके प्रचार किया, बहुत कष्ट उठाया, बहुत लोगों ने बुरा भला कहा, हमारे सरदार लोगों ने मारा पीटा, रिश्तेदार लोगों ने 2 बार जहर खिलाया उनको। वो बाइबल कॉलेज भी पढ़ते थे, अपना कॉलेज भी में भी जाते थे, उस समय वो प्रचार के लिए स्ट्रीट प्रीचिंग के लिए कहीं भी रास्ता में खड़े होकर गाना गा के प्रीच कर रहे थे। हमारा रिश्तेदार ने देखा, ये तो सरदार प्रताप सिंह का बेटा है, किशन सिंह है, ये क्या है, यीशु का प्रचार कर रहा है, बुलाओ इसको।
उनको बड़े प्यार से आके, चलो बेटा हमारे घर चलो खाना खिलाएंगे, उनके घर ले गया, तुम्हारा प्रभु का वचन भी हमको सुनाओ और खाना भी खाना। मेरा भैया एकदम खुश हो गया, अरे प्रभु का वचन सुनेंगे आप लोग? हाँ हाँ सुनेंगे, बना बताओ। थोड़ा देर ही वचन सुनाया, बाद में उनको खाना खिलाया, वो खाना में जहर मिला दिया, ये खा के मर जाना चाहिए इसको, ऐसा सोच के उनको खाना खिला दिया। वो खा लिया, उनको मालूम नहीं था उसमें जहर है। खाना खाने के बाद जाओ 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 अब जाओ तुम जाओ अपना मिशन स्कूल में चला जाओ, यहाँ में मत बैठो, और जल्दी से उनको गाँव से बाहर निकाल दिया। हमारे रिश्तेदार लोग ही थे, उनको बाहर भेज दिया। दूर थोड़ा दूर चल के गए, उनको एकदम वो जो जहर पिया था ना, खाया था खाना में, वो जहर ने काम करना शुरू किया। तुरंत उनको वोमिट होने लग गया, एकदम खून आने लगा मुंह से, रास्ता के किनारे ऐसे गिर के वोमिट कर रहे हैं और बहुत पेट में दर्द हो रहा है, कोई भी बचाने वाला नहीं। उस टाइम में एक डॉक्टर उधर से अपना कार से हॉस्पिटल जा रहे थे, लाहौर में हॉस्पिटल जाते जाते डॉक्टर ने देखा कौन रास्ता के किनारे में पड़ा है, वो गाड़ी रोक के उतर के आके देखा। उधर आ तो देखा, अरे साधु किशन सिंह तुमको यहाँ में क्या हुआ? कहते नहीं, वो मेरे रिश्तेदारों के घर में खाना खा के आ रहा हूँ, पता नहीं क्या हुआ, वॉमिटिंग हो रहा है। वो डॉक्टर तुरंत गाड़ी में उठा के हॉस्पिटल में ले गया, एडमिट किया। एडमिट करते ही वहाँ सब डॉक्टर लोगों ने टेस्ट किया, कहते बाप रे इसको तो फूड पॉइजनिंग हुआ है, बेटा तुमको जहर दिया गया है। आप मेरे भाई समझ गए, अच्छा वो लोगों ने मुझे धोखे से घर में बुला के हमको जहर दे के मारने का कोशिश किया। कोई बात नहीं है, मेरा परमेश्वर बचाएगा, आप लोग प्रार्थना करो। वो इतना डॉक्टर लोग थे, सब क्रिश्चियन डॉक्टर है, सब लोगों ने इनके लिए ट्राई किया, प्रार्थना किया, थोड़ी देर के बाद मेरे भाई ठीक हो गया, हालेलुया, और वो जिंदा हो गया। इस तरह उनको उसी जगह दो बार जहर दिया गया। एक बार वो कहीं प्रचार के लिए गए तो उनको लाठियों से भी मारा, मार के भागो यहाँ से, तुम यीशु का प्रचार यहाँ नहीं कर सकता है। उतना उनको तकलीफ दिया पंजाब के अंदर ही, लाहौर लैलपुर में उनको रहने नहीं दिया। फिर वो वहाँ से निकल के लद्दाख, कश्मीर, तिब्बत, मध्य प्रदेश, जगह जगह घूम घूम के प्रचार करना, बहुत कष्ट उठाया उनको। जब लद्दाख में गए, वहाँ जाके प्रचार किया, वो लोग बहुत निष्ठुर लोग हैं, वो कहते हैं नहीं हम लोग किसी को हाथ से नहीं मारते हैं, लेकिन हम लोग को बताना है आपका परमेश्वर बड़ा है कि हमारा परमेश्वर बड़ा है, हमको इसका प्रमाण दो, हमको अभी दिखाओ। उसको एकदम परीक्षा करते थे वो लोग, कहते क्या है आपका बाइबल में लिखा है बताओ। तो मेरा भैया बताया, सद्रक मिसक अभेदनगो को आग में डाल दिया था, लेकिन प्रभु ने उनको आग से बचाया, क्योंकि यशाया 43 और उसके पहले दूसरे पद में लिखा है, जब तू आग में चलेगा तो आग तुझको नहीं जलाएगी, जब तू नदियों में से जाएगा तो नदियां तुझे नहीं डुबोएंगी। तो सद्रक मिसक अभेदनगो को, तीन लोग को आग में डाल दिया गया था, बांध के आग में डाला, लेकिन वो लोग नहीं जल रहे थे। राजा बोलते ये क्या हुआ, ये लोग को आग में डाला और ये लोग तो जल नहीं रहे, क्या कर रहे हैं? देखा भट्टी में, ऊपर से झांक के देखा, वो लोग आग के बीच में बड़े आराम से चल फिर रहे हैं। और राजा हैरान होकर बोलता है, हम लोग तो तीन आदमी को डाला था ना इधर, हाँ लेकिन इधर तो चार दिख रहे हैं, और चौथा किसका जैसा है? प्रभु परमेश्वर का जैसा, हालेलुया। और वो लोग हैरान हो गए, कहते ये लोग को निकालो, अरे इनको तो हम नहीं मार सकते, इनका परमेश्वर इनके साथ है। और जब उनको निकाला तो राजा ने बोला, तुम्हारा परमेश्वर ही जीवित परमेश्वर है, हालेलुया। और सबको बोला, सब लोग सद्रक मिसक अभेदनगो के परमेश्वर को ही मानना होगा, इनका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। तो ये स्टोरी जब उन लोग को, लद्दाख का लोग को बताया, वो कहते हाँ बस 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 हम लोग सुन लिया, आपका परमेश्वर आग से बचा सकता है ना? हाँ बिल्कुल बचा सकता है, तो ठीक है हम लोग भी करके देखेंगे। वो लोगों ने क्या किया, बहुत सारा लकड़ी जली जली ले आए, सूखा लकड़ी, और डाल दिया और उसको जला दिया। जलने के बाद पूरा यहाँ से वहाँ तक इतना लंबा जगह में आग जलने लग गई। जलने के बाद वो अपना पूरा गांव में ढोल बजा के सब लोग को बुला लिया, आ जाओ एक तमाशा हो रहा है। एक साधु आया है, वो ऐसा बोलता है उसका भगवान आग से भी नहीं जलने देता है, बचा लेता है, हम सब लोग देखेंगे। और उनका जो बड़ा गुरु था लामा, उसने बोला अगर तुम्हारा यीशु मसीह
तुमको इस आग से बचाएगा, तो हम लोग भी उसको मानना शुरू कर देंगे। आज से हम लोग भी यीशु मसीह को मानेंगे। मेरे भाई बहुत खुश हो गया, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है, नहीं तो एक एक आदमी को समझाने में कितना टाइम लगता है। अभी तो 200 लोग, गांव का सारा लोग 200 लोग हैं, एक ही साथ में आ जाएगा, वेरी गुड आ जाओ। सब लोग आ गए, अब सब लोग डर रहे, इतना धूम आग जल रहा है और सब लोग को डर है। लेकिन मेरा भैया साधु किशन सिंह और डरने वाले नहीं, उन्होंने हाथ में बाइबल लेके सीने पे लगा के ऊपर को देख के कहा, प्रभु जी ये लोग मेरा परीक्षा नहीं कर रहे, आपका परीक्षा करने चाहते हैं, लोग देखना चाहते हैं आप परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है कि नहीं, आप मुझे बचाएंगे, मुझे विश्वास है आप मुझे जरूर बचाएंगे, लेकिन इन लोग को दिखाने के लिए प्रभु आपने चमत्कार करना है, मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंप देता हूँ, जैसे भी हो मुझे इस आग से आपने बचाना है। और इतना कह के हाथ में बाइबल लेके सीना पे रख के आग की तरफ चलना शुरू कर दिया। सारा लोग देख रहे हैं खड़े होके, चारों तरफ से घेरा हुआ है आग के, और ये बाइबल लेके आग की तरफ चलना शुरू किया। इतना दूर आग था, आग में अभी पैर उठा के रखने वाला था, ऐसे कदम उठा के आग में ऐसे रखने का कोशिश किया, जैसे आग में पैर रखना चाहा ठीक उसी वक्त ऊपर से जोर से बारिश हो गई, हालेलुया, और आग ठंडी हो गई। सारे लोग हैरान, अरे ये तो बादल भी नहीं दिखाई दिया, कोई बारिश होने के पहले गड़गड़गड़ होता है, ऐसा भी नहीं हुआ, पूरा सफा बादल था, और ये कहाँ से पानी आ गया। सब ने ऊपर की तरफ देखा तो एक सफेद बादल था, गोल गोल छोटा सा, वो सफेद बादल से एक ही साथ बहुत सारा पानी गिर गया और वो आग बुझ गई, हालेलुया। और मेरे भैया वो जल बुझती हुई लकड़ियों पे बीच में जाके खड़े हो गए, कहते लो भाइयों मेरे प्रभु ने तुम्हारी आग को बुझा दिया, और भी जलाना चाहते हो ले आओ, और एक बार केरोसिन डाल के एक बार और जला के देखो। वो लोग का गुरु है ना लामा, वो सिर झुका के कहते हैं नहीं, हम लोग का एक ही जवान है, हमने जो बात कहते हैं उसी को मानते हैं, हम वादा मुकरने वाले नहीं हैं, हमने कहा था किसी भी तरह तुम्हारा प्रभु उस आग को ठंडा कर देगा, हम लोग ग्रहण कर लेगा, बारिश का मौसम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अचानक बारिश का पानी गिरा और वो भी एक सफ़ेद बादल से, काले काले बादलों से पानी गिरता है, यहाँ सफ़ेद बादल से पानी गिरा, ये जरूर प्रभु का दूत लोग स्वर्गदूत लोग कोई बड़ा डेगचा पानी का उल्टा दिया ऐसा गिरा था। तो ये अद्भुत चमत्कार था, वो सब लोग सिर झुका के वहीं पर नील डाउन होके हाथ जोड़ के बोले आज से यीशु ही हमारा प्रभु है, हालेलुया। और वो सब ने यीशु को ग्रहण किया। इसी तरह एक दूसरे गांव वालों ने सुना, वो कहते हैं अरे हमारे गांव में भी आइए, हमारे गांव में आइए, वहां गए, उन लोगों ने भी देखा, उन्होंने दो सांप लेके आ गए, कहते मरकज 16:15-16-17 में लिखा है जो बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा और उसको तरह तरह की प्रभु आशीष दी है, वो नाना भाषा बोलेगा, दुष्ट आत्माओं को निकालेगा, सांपों को उठा लेगा तो भी नुकसान नहीं होगा, जहर पिएगा तो भी नहीं मरेगा। वो लोग बोलते क्या सांप से कुछ नहीं होगा, सांप का जहर से आप नहीं मरेंगे, बोले नहीं प्रभु बचाएगा। वो लोग बोलते ठीक है हम लेके आते, दो नाग सांप इतना मोटा मोटा है ना, एकदम कोबरा, किंग कोबरा बोलते ना वो, लेके आ गए। वो लोग अपने दुश्मन को लिए वो पाल के रखते हैं घरों में, सपेरा का हाथ में दो सांप लेके आ गए, कहते हम लोग टेस्ट करेंगे, जैसे उन लोगों ने टेस्ट किया हम भी टेस्ट करेंगे आपका प्रभु बचाएगा कि नहीं। मेरे भैया ने कहा जरूर बचाएगा, मेरा यीशु सब कुछ कर सकता है। वही आंखें बंद करके एक ही बात बोला, प्रभु ये लोग मेरा परीक्षा नहीं कर रहे, आपकी परीक्षा कर रहे, आप कुछ करो। जैसे उन्होंने आंखें बंद की और उनको कहा लगाओ सांप, मुझे मालूम है मेरा यीशु मुझे बचाएगा, और वो भयंकर नाग दो वो लोग ला के सीधा मेरे भाई का इधर सिर में काटने को दिया, यहाँ पर कनपट्टी में ना, यहाँ पर जो जहर चढ़े तो बहुत मुश्किल होता है। जैसे वो सांप को थोड़ा ढीला किया, वो सांपों ने टक करके इधर डंक मार दिया, दोनों तरफ से नाग सांप ने काटते ही एकदम मेरे भाई का एकदम सिर ऐसे चकराने लग गया, आंखों के आगे अंधेरा हो गया। तुरंत उन्होंने बाइबल को लेके वो इस जगह में भी रखा, इस जगह भी रखा, वचन जो है
जीवनदायक वचन है और ये वचन में बहुत सामर्थ है। प्रभु का वचन बहुत ताकत वाला है। उन्होंने वचन रख के कहा, प्रभु जी तेरे जीवनदायक वचन को मैं लगाता हूँ, जो जहर अंदर गया है अभी बाहर निकल जा, आउट, अभी निकल जा जहर, दोनों तरफ से ऐसे रख के बोला। जैसे उन्होंने बोला वो अंदर से पूरा काला काला खून निकलना बहना शुरू हो गया, थाक 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 अपने आप काला खून निकल गया और पूरा जहर निकल गया। जहर निकलने के बाद उनका आँख एकदम सफा हो गया, वो बाइबल लेके वो पढ़ना शुरू कर दिया, प्रभु का वचन, हालेलुया, और वचन देने लगे। वो लोग देख रहे हैं सब लोग आंखें फाड़ के, अभी गिर जाएगा, अभी मर जाएगा, लेकिन मेरा भाई एक घंटा खड़ा होकर प्रचार किया, हालेलुया, और सब लोग सिर झुका के पाँव में गिर गया। बोलता है सच में आपका परमेश्वर जीवित परमेश्वर। नाक सांप, एक सांप ही काट ले तो आदमी दो मिनट में ख़त्म हो जाता है, ये दो सांपों ने काटा है, आप जिंदा है, एक घंटा हम लोग देखते रहे, आपको कुछ नहीं हुआ, आपका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, हालेलुया। तो इस तरह हमारे भैया साधु किशन सिंह का टेस्टमनी है, आप लोगों ने उनका टेस्टमनी नहीं पढ़ा, बहुत बड़ी बड़ी टेस्टमनी है। उनको सांप से भी, शेर से भी प्रभु ने बचाया। एक बार शेर का गुफा में 4 दिन तक उनको मजबूरी में रहना पड़ा, वो पूरा घायल हो चुके थे और वहाँ पर शेर का गुफा में जाके वो फंस गए थे, उठना बैठना मुश्किल हो गया। 4 दिन तक शेरनी ने और उसके बच्चों ने उनको संभाला था, वो वहाँ भी रहे। बहुत बड़े बड़े चमत्कार प्रभु ने उनके जीवन में किए। उनको लाठियों से मारा गया, बंदूक की गोली का निशाना, उनका एक पैर में गोली मार दी थी और उनके गोली लगने के बाद डॉक्टरों ने कहा था इस पैर को काटना पड़ेगा, सेप्टिक हो गया। उन्होंने कहा नहीं, मेरा प्रभु के लिए ये पैर है, मैं सब जगह जाके सेवा करना हूँ, लंगड़ा हो जाऊँगा तो मैं कहीं नहीं जा पाऊँगा, प्रभु इसको ठीक करना है। ऐसे ही प्रार्थना करके तेल लगाया, बस तेल लगाने से पैर ठीक हो गया, हालेलुया। प्रभु का लोगों को प्रभु चंगाई देता है, प्रभु चंगा करने वाला है और वो सारी जिंदगी प्रभु का सेवा करते रहे। उनका सारा शरीर पे 300 घाव थे, घाव का निशान जो यीशु के लिए उन्होंने सहा। 10 बार उनको मौत का सामना करना पड़ा, पहाड़ों से उनको फेंक दिया गया, कुआं में डाल दिया, मोटा अजगर सारी रात उनको लपेट के रखा, उससे भी प्रभु ने बचाया। ऐसे ऐसे भयानक भयानक चीज़ें हैं जो आप लोगों की समझ में नहीं आएंगी कि कैसे, लेकिन ये सच्चाई है। जोंक 200 जोंक उनका पूरा शरीर में लगा के उनको मारने का कोशिश किया, लेकिन प्रभु ने बचाया, हालेलुया। तो इस तरह का उनका जीवनी है। आपको किताब शायद बाद में नेपाली में भी शायद डॉक्टर साहब करेंगे तो आपको मिलेगा, हिंदी में है हमारे पास थोड़ा, शायद आप लोगों ने भी लिया होगा, आप पढ़ के देखना। उनका जीवन में बहुत अद्भुत कार्य प्रभु ने किया। मेरे जीवन में भी प्रभु ने मुझे 5 बार मौत से बचाया। आप में से बहुत से लोगों ने YouTube में देखा ना, मैं मर गई थी, 1967 का बात है, मैं उस समय 13 साल पूरे करके 14 साल की हुई थी और मैं मुझे बहुत बीमार हो गए थे। मेरे मम्मी पापा, मैं छोटी थी तभी मर गए थे, मेरे बड़े भाई साधु किशन सिंह ने ही पाला और बचपन में मेरे रिश्तेदार लोगों ने हमारी प्रॉपर्टी के लिए भी, मुझे 5 साल की बच्ची थी तो मुझे जहर दे के मारने का कोशिश किया, लेकिन प्रभु ने बचा लिया। उसके बाद मैं हॉस्टल में पढ़ती रही और हॉस्टल में रहते हुए मैं बीमार हो गई थी। 9th स्टैंडर्ड पढ़ने के टाइम मलेरिया, टाइफाइड, जॉन्डिस, एक के बाद एक बीमारी, एकदम कमज़ोर हो चुका था, बचने का उम्मीद नहीं। आखिर में मुझे टिटनेस की बीमारी हुई और उस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। बीमारी उसके जो भी उस बीमारी में बच्चा होता है वो मर जाता है। मेरे वार्ड में कितने ही बच्चे थे, एक के बाद एक सबकी मौत हो गई, सबकी लाशें वार्ड से निकलती जा रही थी। मैं फिर भी 7 दिन तक उस अंधेरे वार्ड में पड़ी रही। आखिर में डॉक्टर ने मेरा पल्स देखा, ख़त्म हो गया, सांस भी बंद हो गई और डॉक्टर ने मेरे भाई को कहा आपका सिस्टर ख़त्म हो गया और इस डेड बॉडी को ले जाओ, हम डिस्चार्ज करके देते हैं। डिस्चार्ज पेपर लिख दिया, हॉस्पिटल से मेरा डेड बॉडी को वापस घर भेज दिया। मेरा भाई, बड़ा भैया साधु किशन सिंह, मेरा लाश को लेके घर आ गया। घर आके सारा रिलेटिव, हमारा आस पड़ोस का सब लोग आ गए, अरे शांता मर गई, मर गई। कोई कहता है चलो बहुत दिन से दुख उठा रहा था, मर गया तो अच्छा ही हुआ, ऐसे बोल रहे कुछ लोग। कुछ कहता है अरे इतना छोटा सा बच्ची मर गया, कितना दुख का बात है, ऐसे बोल रहे थे। उसी समय हमारे रिलेटिव, हमारे रिश्तेदार, मेरे चाचा ताए लोग, वो सब लोग सिख धर्म को मानते हैं ना, वो लोग मरने के बाद जलाते हैं, आग में जलाने के लिए,
ले जाने के लिए बोल रहे थे। मेरे भैया ने कहा नहीं, मेरा सिस्टर यीशु को मानती है, हम दोनों बहन भाई यीशु के हैं, प्रभु को दिया हुआ है, हम यीशु के हैं, इसलिए हम चर्च में जाके हमारा बहन का वोदरी कब्रिस्तान में हम दफनाएंगे, हम आप नहीं जाएंगे। तो वो लोग नाराज़ हो गए, लड़ाई कर मेरे भाई के साथ, और लड़के वो लोग सब चले गए। मेरे भाई एक पास्टर के पास गए, उनका नाम था एरिक विक्टर जोनाथन, दिल्ली बिशप, उनको जाके बोला मेरा सिस्टर को आपका क्रिश्चियन का कब्रिस्तान में दफनाना है, थोड़ा जगह चाहिए। वो कहते हैं आपका बहन तो हम लोग का मंडली का मेंबर नहीं है, उसको तो बपतिस्मा होना चाहिए पहले, तो अच्छा आप जो करना है कर लो, हम लोग को जगह चाहिए। पास्टर हमारे घर आए और मेरा लाश को देखा, एकदम अकड़ गया, ठंडा हो गया था बॉडी पूरा। वो छू के देखा, रे तो ऐसा करते हैं इसको नहलाना तो है ही, कफन पहनाने के पहले नहलाते हैं ना, उसी में मैं बपतिस्मा दे दूंगा, नहीं तो कोई ना कोई लोग ऑब्जेक्शन करेंगे। हमारे बाथरूम में एक बड़ा वाटर टैंक था, उसको पानी से भर दिया और उसी में पास्टर ने उठा के डुबो के पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा भी दे दिया। बोलते हैं चलो नहाना भी हो गया, बपतिस्मा भी, अभी इसको कब्रिस्तान में ले जा सकते हैं। तो कफन लेके आना पड़ा, बाजार से सफ़ेद कपड़ा लाके पहना दिया, कफिन बॉक्स भी ले आए। ये सब करने में टाइम ज़्यादा हो गया था, और ज़्यादा हो जाने से उन्होंने कहा आज रात को कब्रिस्तान में नहीं ले जा सकते, आज रात इधर ही रहने दो। और इतना बोल के पास्टर प्रार्थना करके अपने घर चले गए, और मेरे भैया अकेले वहाँ थे, दूसरे पड़ोसी लोग रिश्तेदार वो लोग भी सब चले गए, उनको भी नींद आ रहा था। उन्होंने कहा मैं इधर बैठ के क्या करना है, चलो मैं अभी सो जाता हूँ। लेकिन उन्होंने सोने से पहले अपना बाइबल लिया और प्रभु को बोला, प्रभु जो तेरी इच्छा है तू कर, तेरे हाथों में मेरा बहन का शांता का आत्मा दे देता हूँ। और इतना कह के अपना बाइबल मेरे सिर के पास रख दिया, और बाइबल रखे वो अपने बिस्तर पे जाके सो गए। जैसे वो सोए परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया, अचानक मेरे रूम में एक बड़ा लाइट आ गया, और लाइट को देख के मैंने आँखें खोल दी, मेरा आत्मा ने आँखें खोल के देखा, दो एंजल खड़े थे, बड़े बड़े स्वर्गदूत, और उन्होंने मुझे कहा तुम्हें यीशु के पास जाना है, यीशु बुला रहा है तुम्हें। और मैं बहुत खुश होगी, मैं यीशु के पास लेके जा रहे हैं, और उन्होंने एक ने इधर से हाथ पकड़ा, एक ने इधर से पकड़ा, और मुझे हवा में उड़ा के लेके जाने लगे। वो भी उड़ रहे, मैं भी उड़ रही हवा में, बहुत सुंदर लग रहा था, एकदम बादलों पे उड़ते उड़ते, बहुत सुंदर सुंदर बादल थे, और चलते 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 एकदम ऊंची जगह पे जा रहे थे, कहाँ मुझे वो नहीं मालूम, लेकिन बहुत खूबसूरत जगह, एक जगह इतनी सुंदर गार्डन, पेड़ पौधे फूल, बहुत सफा सफा जगह थी। और एक जगह पहुँचे तो पूरा सोने का घर ही घर, सोने का नगरी, जैसे सोने का देश में पहुंच गया, सारे घर सोने के बने हैं, सड़कें भी सोने की बनी हैं। और ऐसे सड़कों पर चल कर हम एक बड़े हॉल के सामने पहुंचे, और अचानक वो गेट खुल गया, गेट खुलते ही अंदर से बहुत रोशनी आई, वो रोशनी देख के मैंने ऐसे सिर नीचे झुकाया, इतना लाइट देख नहीं पा रही थी। और जैसे ही आँखें उठा के देखा, अंदर की तरफ देखा, तो बहुत बड़ा एक सिंहासन रखा हुआ था, सोने का सिंहासन, और उसमें बड़े बड़े डायमंड चमक रहे थे, और उस सिंहासन के ऊपर यीशु राजा बैठा हुआ था, एक बड़े राजा के रूप में सिंहासन पर यीशु मसीह बैठे देखा। और उनके सामने स्वर्गदूत मुझे ले जाके खड़ा कर दिया, और स्वर्गदूत सिर से टाके पीछे की ओर चले गए। और उस समय मैंने देखा प्रभु यीशु जो एक बड़े सिंहासन पे बैठे, इस साइड में भी, इस साइड में भी बहुत से लोग बैठे थे, और सामने बहुत से लोग प्रभु का स्तुति कर रहे, युगान युग जीता पवित्र 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 सेनाओं का परमेश्वर तेरी जय हो बोल के, यीशु तेरी जय हो बोल रहे। तो मैं थोड़ा सिर ऊपर उठा कि मैं देखूं कहाँ हूँ मैं, और मैंने नीचे से प्रभु का पैर के नीचे पास से एकदम देखना, एकदम शाही ड्रेस पहना हुआ ना प्रभु ने राजा का जैसा, और ऐसे पहनते पहनते उनके हाथ ऐसे रखे हुए वो भी दिखाई दिए। और ऊपर जब मैंने देखा प्रभु का चेहरा कैसा है, ऐसे करके मैं ऊपर उनके चेहरे की तरफ देखने के लिए अपनी आंखें ऊपर उठाई। जैसे मैंने ऊपर आंखें उठाई तो मुझे वहाँ कोई रूप नहीं दिखाई दिया, पर बहुत तेज रोशनी और एक राउंड गोल चक्र बना हुआ था लाइट का, बहुत तेज, जैसे सूर्य होता है ना, एकदम तेज सूरज चमकता है तो कैसा होता है, ऐसा प्रभु जी के चेहरा का ऊपर एक बड़ा सूर्य चमक रहा था। और उसको देख के मैं डर गई और सिर नीचे कर लिया। जैसे मेरा सर झुका,
उसी वक्त बड़ी मीठी आवाज आई और एक हाथ मेरे सिर पे रखा प्रभु ने और मुझे कहा, बेटी शांता, तुझे ये जीवन मैं वापस लौटाता हूँ। तू दुनिया में जा और जाके सबको बता, मैं ही जिंदा खुदा हूँ और मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ। इतना कह के प्रभु जी ने मेरे सिर पे हाथ रख के मुझे नीचे की ओर भेज दिया और मैं एकदम ऊपर स्वर्ग से गिरते 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 एकदम नीचे, ऐसा लगा जैसे खाई में गिरी हूँ। जमीन पे जैसे मेरे पैर लगे मुझे होश आ गया, मैंने आंखें खोल के चारों ओर देखा, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ से गिरी हूँ। फिर ऊपर की तरफ देखा तो हमारी छत खुली हुई है, बहुत 3 स्टोरी का बड़ा कोठी बिल्डिंग था दिल्ली में, वो पूरा खुला है और ऊपर से एकदम स्वर्ग तक एक बड़ी लाइट फोकस हो रही थी और मैं समझ गई, ओ प्रभु ने मुझे स्वर्ग से वापस दुनिया में भेज दिया, हालेलुया। और मैं बहुत खुश हो गई और इतने में मैं अपने भैया को बताने लगी, भैया जल्दी आओ, देखो स्वर्ग खुला है, प्रभु मुझे स्वर्ग से नीचे छोड़ के जा रहे हैं, स्वर्ग से उतार भेजा है प्रभु ने मुझे वापस। मेरे भाई सोए हुए थे, उनकी नींद नहीं खुली, मैं उनके फिर नज़दीक जाके, भैया भैया उठो। वो कहते, कौन है तू, क्या चाहिए? मैं क्या, मैं शांता आपकी बहन। कहते, शांता वो तो मरी पड़ी है, उसकी लाश वहाँ, तू कौन है, अपना नाम बता। मैं कहा, आप आंखें खोल के तो देखो, मैं ही हूँ, मुझे यीशु ने जिंदा कर दिया। इतना सुनते मेरे भाई ने आंखें मल खोल के मुझे देखा और मैं वो सफ़ेद कफन का कपड़ा पहनी थी ना, सफ़ेद, वो कपड़े में से लाइट निकल रही थी। मेरे भाई डर गया, वो बोलने लगे, अरे मेरे बहन भूतनी बन के आ गई है, और उठ के कहता, ऐ शैतान चली जाए यहाँ से। मैं क्या, भैया शैतान नहीं, शांता हूँ मैं। लेकिन उनको विश्वास नहीं हो रहा, वो उठ के खड़े हो गए, दौड़ के मेरे बेड बिस्तर में ना, जहाँ मेरी लाश पड़ी थी, वो बेड में जाके चादर हटा के ढूंढ रहे मेरी लाश को, मेरी लाश उनको नहीं मिल रही है, कहाँ गई मेरी बहन की लाश, वो कफिन बॉक्स में देख रहे, वहाँ भी नहीं, पलंग के नीचे देख रहे वहाँ। मैं क्या, वहाँ क्या ढूंढ रहे, इधर देखो मैं यहाँ खड़ी हूँ। कहते, सच में तू शांता है? मैं क्या, हाँ, रुक जा, मैं खड़े हो तो उधर ही दूर खड़ी रहना, पास में मत आना, मैं छू के देखूंगा। मेरे भाई ने मुझे कहा, अपना हाथ आगे कर, मैंने ऐसे हाथ किया, वो मुझे छू के देखना। उन्होंने कहा, अगर आत्मा होगा तो पकड़ेगा तो गायब हो जाएगा ना, अगर सच में मेरी बहन है तो मैं पकड़ के देखना है। और मैंने जैसे हाथ किया, उन्होंने मेरी उंगलियों को ऐसे पकड़ा, छुआ, छूते ही उनको पता लगे, अरे इसमें तो हड्डी भी है, मीट मांस भी है, तो सच में तो शांता ही है। मैं कहा, हाँ भैया वही तो मैं कह रही थी, मैं आपकी बहन शांता हूँ, और मुझे यीशु ने स्वर्ग से वो वहाँ का स्वर्गीय दर्शन दिखा के, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सिंहासन पे बैठा है, और कोई भगवान स्वर्ग में नहीं है, यीशु ही प्रभु है, हालेलुया। और उसकी जय जयकार की, जैसे मैंने बताया, मेरे भाई बहुत खुश हो गए, उन्होंने नील डाउन होके प्रभु का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, शांता तुझे यीशु ने ये दोबारा जीवन दिया है कि तू उसकी सेवा करे, तो ये गवाही तुझे प्रभु ने बनाई है, तू सबको बताना है। मैं कहा, हाँ मैं ये कहूँगी, तो रुको मैं पहले जाके पास्टर को ही बता के आता हूँ। मेरे भाई भाग के गए पास्टर को बताने, वो पास्टर कहता, अरे बाप रे इतना जल्दी, अभी तो 5 ही बजे है, अभी कब्र खुदवाने में थोड़ा टाइम लगेगा। मेरे भाई ने कहा, अभी तुम्हारा कब्र का जरूरत नहीं है पास्टर साहब। कहते, क्यों, क्या हुआ? पंजाबी लोग, सरदार जी लोग उधर ले गए जलाने? नहीं नहीं नहीं, मेरा बहन जिंदा हो गई। पास्टर को मेरे भाई जैसे बताया, पास्टर को देख रहे मेरे भाई ऊपर से नीचे तक। कहते, साधु जी आप सो गए थे क्या रात को? कहते, हाँ सोया था। कहते, तभी आपने सपना देखा होगा, ओ मरी हुई कहाँ से जिंदा होगी? कहते, नहीं सच कह रहा हूँ, यीशु मसीह ने मेरी बहन को जिंदा कर दिया। अभी पास्टर को भी विश्वास नहीं हो रहा, वो कहते, चलो पहले देखते फिर कब्र खोदेंगे। और वाकई मुझे देखने के लिए पास्टर घर आ गए, जब मुझे देखा जिंदा खड़ा हुआ, पास्टर एकदम खुशी से बोल रहे, अरे हम लोग कितना बेकार लोग हैं, मैं बाइबल से कितना बार लोगों को बताता था, 4 दिन का मरा हुआ लाजर को यीशु ने जिंदा किया, विधवा का बेटा को यीशु ने जिंदा किया, जारस का बेटी को यीशु ने जिंदा किया 2000 साल पहले। वो यीशु तो हमेशा हमेशा एक जैसा है, वो आज भी वही काम कर सकता है, उसके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। और कहते हैं, मैं पढ़ता था, दूसरों को बताता था, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं था, आज मैंने देख लिया, यीशु आज भी जिंदा करता है, हालेलुया। तो ये मेरे जीवन की गवाही है प्यारे बहन भाइयों। उसी दिन मैंने सबके सामने गवाही दी, हजारों लोग जमा हो गए हमारे घर के पास,
पास्टर ने बता दिया मरी हुई लड़की जिंदा हुई है। जैसे सुना हमारे पड़ोसी हाय शांता जिंदा हो गई, भाग भाग के लोग भाग के देखने आए और शाम तक वहाँ भीड़ लग गई लोगों की, हजारों लोग। और मैं सबको एक ही बात बताई, स्वर्ग में केवल एक ही प्रभु है और वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह है, और वो फिर आने वाला है। इसलिए आप लोग अपना मन परिवर्तन करो, प्रभु को ग्रहण करो, क्योंकि वो आएगा हमें अपने साथ ले जाने के लिए। बहुत लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया उस दिन। हमारा रिश्तेदार को बहुत गुस्सा, अरे पहले इसका मामा प्रचार करता था, उसका भाई बड़ा भाई करता था, अब ये लड़की भी शुरू हो गई है, बंद करो इन लोगों को, पकड़ो इनको, मारो पीटो, ले जाओ अंदर। बस हमारा पूरा परिवार लोग सब जमा हो गए, मेरे भैया को भी मारने लगे, मुझे भी मारने लगे, चलो अंदर भागो। मैंने कहा नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम प्रभु का वचन सुनाने के लिए पूरा दुनिया में जाके मैं बताऊंगी। कहते खबरदार, तू नहीं जा सकती, हमारी पंजाबी लड़की है, हमारे सिक्कों की बेटी है, हमारे जमींदारों की बेटियाँ रास्तों पर भटकती नहीं फिरती हैं। मैंने कहा मुझे यीशु ने ये जीवन दिया है, तुम लोगों ने नहीं दिया है, मैं यीशु के लिए ये जीवन देती हूँ, मुझे दुनिया नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, मैं करूँगी। वो लोग मारने लगे, मेरे ताऊ जी ने बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा, बातें करते ताई जी आई, सिर से मार के धक्का मार के अंदर ले गए, चलो अंदर चलो। सब लोग को बोला जाओ जी जाओ, तमाशा मत बनाओ, सब भाग हटा दिया, हमें ले जाके कमरे में बंद कर दिया। रात के दो ढाई बजे का समय था, हम लोग रूम में बंद हैं, हाथ पैर बंधे हैं, दरवाजे को ताला है, एक खिड़की खुली थी बस, और वो खिड़की में दो बदमाश गुंडे बंदूकें लेके खड़े हो गए। कहते हैं आप कहाँ हैं तुम्हारा यीशु, बुलाओ उसको, बचा सकता है, हम तुम लोग को शूट करने जा रहे हैं, आप भी मौका है, यीशु को छोड़ दोगे तो बचा दोगे। हमने कहा नहीं, हम यीशु को नहीं छोड़ेंगे, हम यीशु को मानते हैं, यीशु को ही मानेंगे, चाहे कितना भी कुछ कष्ट आ जाए, यीशु को कभी नहीं छोड़ेंगे, और हमारा यीशु हमारे साथ है, उसको बुलाना नहीं पड़ता है, प्रभु यीशु स्वयं आ जाता है, उसकी जो मर्जी है वो करेगा। मैंने भी, मेरे भाई ने आंखें बंद कर ली, हम बहुत खुश थे, यीशु के लिए मरेंगे, कुर्बान होंगे, सीधा हमारा आत्मा यीशु के पास इतना सुंदर देश में चला जाएगा, हमें वहाँ जाना है, ऐसे बोल के आँखें बंद थी, प्रार्थना करने लगे। और उसी वक्त अचानक एक जोर की आवाज़ आई, हैंड्स अप, हाथ ऊपर करो, बोला। और ऐसे बोलते जो मारने वाले, हमें बंदूकें तानी हुई थी, गोली मारने ही वाले थे, अचानक उनके हाथ कांप गए आवाज़ सुन के, पीछे घूम के देखा तो बहुत सारे पुलिस वाले वहाँ पे खड़े थे, और वो भागना चाहते थे, पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया, उनको अरेस्ट करते और हम लोग को दरवाज़ा खोल के, जब पुलिस ऑफिसर ने बाहर निकाला, हम बहुत खुश हो गए पुलिस को देख के। और हमने पुलिस वाले को पूछा, आपको किसने फ़ोन किया, आप कैसे सही समय पे आ गए? वो कहते हैं हमें किसी ने फ़ोन नहीं किया, हमें मालूम ही नहीं था, हम तो नाइट ड्यूटी देने वाले पुलिस गार्ड हैं, हम लोग दूसरा गली में जाना था, पता नहीं कौन सा शक्ति इस तरफ लेके आ गया। हालेलुया, वो यीशु मसीह था जो ठीक टाइम पे लेके आया, और मैंने देख लिया, मुझे तीसरी बार भी प्रभु ने मौत से बचाया। मैंने कहा बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा प्रभु मेरे साथ है, मैं उसकी सेवा करूंगी, सारी दुनिया को जाके बताऊंगी। और इसीलिए उसी दिन से मैंने सब कुछ छोड़ दिया, 6 करोड़ की जायदाद मेरे पापा मेरे लिए छोड़ गए, मेरी माँ के 4 किलो सोने के गहने भी थे, हमारा घर भरा पड़ा था अच्छी अच्छी चीज़ों से, कुछ भी नहीं लिया, सबसे कीमती खजाना प्रभु का वचन, रब दा कलाम लेके आए हैं, यीशु का सलाम लेके आए हैं, वही बस लेके हम निकल पड़े। और हमने रात के 2 बजे 2:30 बज गए थे घर से निकले, हमारे पास दो कारें थी, पापा ने मेरे भाई के लिए भी मेरे लिए भी एक कार रखी थी, और अपने ड्राइवर को उठाया, हमें स्टेशन तक छोड़ गया, ड्राइवर गाड़ी में लेके जा रहा था, हमारी गाड़ी पे 2 बार फायरिंग किया, हमारा बड़ा बाबा लोग चाचा लोग फायर कराया, लेकिन प्रभु ने उससे भी बचा लिया। इस तरह 5 बार मौत से बच के हम आसाम के पहुँच गए, मतलब वहाँ जैसे स्टेशन पे पहुँचे वहाँ आसाम की एक ट्रेन खड़ी थी, और वहाँ जाने के लिए हमने कहा जहाँ की भी ट्रेन मिलेगी प्रभु हम चले जाएंगे। जैसे देखा आसाम की ट्रेन है, मेरे भाई पॉकेट में हाथ डाल के टिकट लेने के लिए, पैसे निकालने के लिए बटुआ ढूंढने लगे, लेकिन बटुआ भी नहीं था उनकी पॉकेट में, वो भी घर में छोड़ के आ गए। कहते हैं ले शांता, अभी तो पैसे भी नहीं है, हम ट्रेन में कैसे चढ़ेंगे? तभी एक भाई आ गया, पास्टर था वो भी वहीं दिल्ली में,
वो आके कहता है आप जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, आपके रिश्तेदार तलवारें लाठियाँ लेके आपको मारने के लिए आ रहे हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे पास टिकट का पैसा भी हम घर में छोड़ के आ गए है नहीं, तो हम कैसे जाएं। वो कहते हैं मैं ला के देता हूँ। वो पास्टर ने जाके टिकट बनाई जल्दी से, एकदम इमरजेंसी टिकट ले आके हमें ट्रेन में दे दी, और इतने में ट्रेन चलना शुरू हो गई। और ट्रेन चलना शुरू हो गई, हम लोग पूछा कोई एड्रेस है, कोई पास्टर का नाम हमें बताइए, हम तो आसाम में किसी को नहीं जानते। वो पास्टर जल्दी से अपनी डायरी निकाली, पेन निकाला और लिखने लगे। वो चलते भी जा रहे, लिखते जा रहे वहाँ के किसी एड्रेस को पास्टर के। लेकिन इतने में ट्रेन बहुत फास्ट हो गई, पास्टर ने कुछ रुपया भी एड्रेस भी लेके देना चाहा, लेकिन खिड़की से मेरे भाई ऐसे हाथ किया, पास्टर ऐसे किया, लेकिन ट्रेन इतना फास्ट चला गया, वो पैसा भी एड्रेस भी उधर ही गिर गया, हम लोग के हाथ में कुछ भी नहीं आया। और इस तरह हमारी यात्रा शुरू हुई। पहला जीवन में पहला अनुभव, 13-14 साल की पतली दुबली, आप सोच के देखो आपके पास ये है ना, आप कितना मुश्किल होता है एक लड़की को घर से बाहर निकलना, कितना कष्ट का काम है। लेकिन उस समय प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने मुझे साहस दिया। मेरे भैया ने मुझे बोला शांता प्रभु का जी काम करने में बहुत तकलीफ आएगा, भूखा रहना पड़ेगा, नंगा रहना पड़ेगा, कोई घर नहीं देगा, लोग धुतकारेंगे भगाएंगे, तुमको ये सब सहना है। मैंने कहा हाँ सब सहूंगी, चाहे कितनी भी परीक्षाएं मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगी। Romans 8:28 में लिखा है चाहे भूख आए, नंग आए, परेशानी आए, कोई भी हमें यीशु के प्रेम से जुदा नहीं कर सकता, हम जाएंगे। और मेरे भैया ने कहा हम राजाओं के बच्चे, यीशु राजा है, राजा का हम बेटा बेटी है, इसलिए हम लोग मांगना नहीं है किसी से, भिखारी नहीं है, भिखारी के बच्चे मांगते हैं, तुम राजा की बेटी है इसलिए तुमको मांगना है, इंसान से कुछ नहीं मांगना है, मांगना है तो प्रभु से मांगना है। प्रभु आप लोगों को बोलेगा, कोई देगा तो लेना है, नहीं तो नहीं। खुद नहीं बोलना हमको भूख लगी है या प्यास लगी है या हमको गाड़ी के लिए दो, देखो प्रभु सब इंतजाम करेगा, ठीक है। और बहुत मुश्किल सफ़र था, भूख लग रही है, खाने को मन कर रहा है, चाय पीने को मन कर रहा है, ना हमारे पास एक उस समय 8-4 आने में चाय अच्छी मिल जाती थी, एक भी पैसा नहीं है कि चाय खरीदने के लिए भी, एक बिस्किट खरीदने के लिए भी नहीं। पूरा दिन भूखा बैठे हुए, शाम हो गए भूखे, एक टुकड़ा रोटी का भी नहीं। दूसरे लोग कोई खा रहे होते, हम लोग को बताया नहीं आंखें बंद करके प्रार्थना करो, मैं आंखें बंद करके सिर झुका के प्रार्थना करने लगी या उठ के दूसरी तरफ चले जाना। एक दिन हो तो चलो चलता है, एक दिन नहीं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन लगातार फास्टिंग कभी रख के देखा है एक दिन कितना मुश्किल होता है फास्टिंग करना। लेकिन वो 5 दिन मैं पहली बार जीवन में भूख नंग का सामना किया, बहुत मुश्किल होता है बगैर खाए रहा जाना मुश्किल, लेकिन प्रभु का धन्यवाद वहाँ पानी मिलता था, कौन सा वो टेप का, ट्रेन का टेप है ना, उससे जाके पानी पी लेना था। उस समय में बोतलें वगैरह नहीं होती थी और पानी भी कोई लेके नहीं आए घर से, हम कुछ भी नहीं लेके आए, सिर्फ बाइबल हाथ में लेके, जो कपड़ा पहना था वही पहन के निकल आए थे, सब कुछ छोड़ के आ गए थे। हमने कहा प्रभु देगा अपने आप, और प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु परीक्षा करता है, वो हमें टेस्ट करता है। Deuteronomy 13:3 उसके 3-4 वर्स में लिखा है, कहता है तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी परीक्षा करेगा ये जानने के लिए कि तुम उसको पूरे मन से, पूरी बुद्धि से, पूरी शक्ति से प्रेम करते हो कि नहीं, इसलिए वो परीक्षा करता है। तो वो हमारी परीक्षा का समय था, 5 दिन कुछ भी नहीं खा के बहुत मुश्किल से गुजारा। 6th दिन वहाँ रंगिया जंक्शन है, बहुत बड़ा असम का बड़ा रेलवे सेंटर, वहाँ हम लोग, वहाँ तक का टिकट था, वहीं ट्रेन बस होती है स्टॉप हो गई, वहीं हम लोग उतर गए। सोचा अभी तो कहीं ना कहीं पास्टर के घर खाने को मिल जाएगा, चलो चलो चर्च ढूंढते हैं, और इधर उधर चर्च ढूंढना शुरू किया, एक भी चर्च नहीं। लोगों को पूछा इधर कहीं चर्च है, वो कहते ना 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 यहाँ कहीं नहीं है, क्या चर्च चर्च करे, इधर जाओ हटो जाओ हम नहीं जानते। फिर दूसरे को पूछते वो होते ऐ नहीं नहीं इधर कोई क्रिश्चियन नहीं, हटो जाओ यहाँ से, मतलब कोई भी प्यार से बात नहीं कर रहे, सब धुतकार रहे। क्रिश्चियन का नाम को सुन के वो लोग बहुत घृणा करते हैं, कोई छूने नहीं देता है, बैठने नहीं, पास में नहीं बिठाता, क्रिश्चियन को बोल के बहुत नफरत।
हम लोग पूरा दिन गांव में गली पूरा शहर में गली गली ढूंढा, लेकिन कोई भी चर्च नहीं। चल चल के पैरों में छाले पड़ गए, सिर चकराया, कई बार जमीन पे गिर गए बेहोश होके। फिर मेरा भैया पानी लाके मुंह में डालते और पानी पिलाने के बाद फिर होश आया। ऐसे शाम हो गई, शाम को फिर हम वो रेलवे स्टेशन पे आके बैठ गए और बैठ के रो के कहते, प्रभु जी अब हम कहाँ जाएंगे, ये तो मालूम नहीं, हम आ गए आसाम में, तू क्यों लाया है, ये तेरी मर्जी है, तू ही हमें बता परमेश्वर, और रो के प्रार्थना कर रहे थे। तभी एक बूढ़ा आदमी हमारे पास आ गया और वो बंगाली बूढ़ा था, बंगाली। वो आके कहता है, कथे जाबेन काके बिसारेन, मतलब बंगाली में आप कहाँ जाओगे, किसको ढूंढ रहे हो। हमने कहा हम चर्च ढूंढ रहे हैं, कोई क्रिश्चियन भाई बहन है इधर क्या। एखने क्यों ना, एखने क्यों ना, ए सोरे ना, मतलब इस शहर में कोई नहीं है, यहाँ कोई क्रिश्चियन नहीं रहता। तो हमने कहा और कहीं आसपास, हाँ वो हरी सिंगारे, मतलब हरी सिंगा एक जगह का नाम है, वहाँ पर क्रिश्चियन लोग हैं, वहाँ पर एक बड़ा मिशन हॉस्पिटल है, एक बड़ा स्कूल है, वहाँ पर ही क्रिश्चियन लोग रहते और इधर कोई नहीं है। हम लोग को खुशी हुई सुन के, अरे स्कूल है, मिशन स्कूल है, मिशन हॉस्पिटल है, तो हम वहाँ जाएंगे। तो जाने के लिए कैसे जा सकते, कहते वो सामने बस खड़ा है, ट्रेन खड़ा है, वो उधर जाने के लिए टैक्सी भी है, जा सकते। लेकिन ट्रेन टैक्सी बस के लिए हमारे पास तो पैसा नहीं है, बिना पैसे तो लेके नहीं जाएंगे, प्रभु जी हम लोग क्या करें। फिर मेरे भैया ने उसको बोला, भैया कोई आसान रास्ता है चल के जाने के लिए, शॉर्टकट है। हाँ 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 शॉर्टकट है, कौन सा, ये रेलवे लाइन के ऊपर चले जाइए। रेलवे लाइन मतलब पत्थर और कांटे वाला रास्ता, कोई रास्ता नहीं होता, रेलवे लाइन के ऊपर ऊपर चलना कितना मुश्किल होता है। और वो कहता है ज़्यादा दूर नहीं है, खाली 10 किलोमीटर है, कितना ज़्यादा दूर नहीं है, 10 किलोमीटर। हम लोग का घर में दो दो कार, हम लोग कभी पैदल चला नहीं, कैसे हम इतना 10 किलोमीटर चल सकते हैं। मैंने कहा नहीं भैया, हम इधर ही मर जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। मेरे भैया ने कहा ऐसे मत बोलो, जीना हमारे लिए मसीह है, प्रभु के लिए हमें करना है और प्रभु की सेवा करना है, यही हमें, तुम मरने का बात मत लो, प्रभु जीवित परमेश्वर है, उसने जीवन दिया है, उसके लिए हमें जीना है, हमें जाना है, प्रभु शक्ति देगा। मैं कहा मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रही है, मुझे बहुत भूख लग रही है, छोटी बच्ची थी, भूख भी लग रही थी, बहुत दर्द भी हो रहा था, और एक ऐसे देश में जहाँ किसी को हम नहीं जानते, बहुत मुश्किल होता है, सब लोग बुरे अजीब तरीके से देख रहे थे, ये कौन है, कहाँ के हैं, और मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मेरे भैया ने कहा नहीं चलो, हम प्रभु के लिए सब कुछ सहना है, शांता अजय मैं प्रार्थना करूँगा। मेरे भैया ने मेरे सिर पे हाथ रख के मेरे लिए प्रार्थना किया, प्रभु मेरी बहन को शक्ति दे, अपने आत्मा से भर दे, हम लोग उधर जाना है चाहे कुछ भी हो जाए। और जैसे उन्होंने प्रार्थना की, मेरा मन खुशी से भर गया, आत्मा का अभिषेक से भर गई और एकदम उछल के खड़ी हो गई, भैया मेरे ठीक हो गई, मेरे पैर में दर्द नहीं है, चलो चलते हैं। और मैं खुशी खुशी आगे आगे चलना शुरू कर दिया। रेलवे लाइन के ऊपर 1-2 किलोमीटर नहीं, 10 किलोमीटर। और जीवन में पहली बार दिल्ली जैसे बड़े शहर में जन्म लिया, बड़ा हुआ, 2-2 कार घर में रहने वाला, कभी भी 1 फरलंग भी पैदल नहीं चली थी, लेकिन उस दिन मुझे चलना पड़ा। इतने पत्थरों के बीच में, कांटे पैरों में लग रहे, बिच्छू लग रहे, कांट रहे, झोंके लग गए, झोंकों को निकालते जा रहे हैं, उससे खून बहता जा रहा है, लहू लहान पैरों से, और रेलवे ट्रैक के ऊपर हमारे खून के निशान गिरते जा रहे, और मुझे बहुत रोना आ रहा है, कई बार मैं गिर गई बेहोश होके। फिर मेरे भाई पानी डाल के मुझे फिर उठाया, फिर प्रार्थना करके फिर खड़ा किया, फिर चलना शुरू। चलते 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 एक घने जंगल से गुजरे, घने जंगल में शेर बाघ बड़े बड़े सांप इधर से उधर घूम रहे थे, जंगली हाथियों का एक झुंड, 50-60 हाथी एक साथ सामने आ गए, और उनको वो बहुत डेंजर होता है, उनके सामने से आदमी को निकले तो एकदम चटनी बना देते हैं। लेकिन मुझे कोई पता नहीं था कि जंगली जानवर क्या करते हैं, हम तो जानवर को देख के खुश, हाथी को देख के हाथी मेरे साथी बाय बाय टाटा बोल रही, और वो हाथियों को इतना जोर से परमेश्वर ने जैसे रोका,
उस साइड में खड़े होकर हो उसे जोर जोर से सूंड हिला के मतलब चिंगाड़ रहे थे, और इसी तरह उनके पास से गुजर गए, कुछ नहीं हुआ, प्रभु ने संभाला। ऐसे चलते चलते कई मील दूर चलते मुझे एक जोर से मैं गिर गई और बहुत चोट लगी, सिर में भी हाथ में, मैं जोर से रो पड़ी, आंखों से आंसू निकल रहे और रोते रोते जा रहे। मेरे भैया ने कहा, शांता तुम गलत कर रही हो, ऐसे नहीं करना है। क्या भैया? कहते तुम्हारे आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? आंसू नहीं निकलना है, प्रभु का वचन में लिखा है जब तुम पर तरह तरह की परीक्षा आए तो इसको बड़े खुशी की बात समझो। याकूब या जेम्स 1:1 उसका 2 में लिखा है, याकूब 1:2 में, जब तरह तरह की परीक्षा आए तो तुम इसे बड़े खुशी की बात समझो, और रोना नहीं है, खुशी मनाना है, आनंदित होना है। उसका 1:12 में लिखा है, याकूब 1:12 में वहाँ लिखा है, जो परीक्षा में स्थिर रहता है वही जीवन का मुकुट पाता है। मेरे भाई क्या कहते हैं, इन जख्मों की तरफ मत देखो, पैर छिल गया, हाथ छिल गया, सिर में चोट लगी है, कहते हैं इनको तुम मत ध्यान दो, तुम ध्यान दो स्वर्गीय चीज़ों की ओर, वो स्वर्ग का सिंहासन प्रभु यीशु जिस पे बैठा है, वो सोने का मुकुट जो हमें पहनाने जा रहा है। उसने कहा है जो विश्वास में स्थिर रहते हैं उनके लिए सोने का मुकुट है, वो प्रभु देने जा रहा है। तुम इन सब चीज़ें मत देखो, प्रभु की ओर देख के चलो, नाचो और गाओ और खुशियाँ मनाओ, दुख में प्रभु का धन्यवाद करना है। धन्यवाद करते गए मेरे भाई और मैं गाना गाते चलते चले जा रहे थे, रोएंगे नहीं, सिसकियाँ नहीं भरेंगे, लेकिन हम गाना गाएंगे, ये कांटों भरी डगर है इस पर है तुझे चलना, कभी गिरना फिर संभलना पर आंसू ना बहाना, आंसू नहीं बहाना है, प्रभु का स्तुति करना है। और करते करते रात के 12 एक गाँव में पहुँचे, जिस गाँव का नाम हरी सिंगा, अभी भी वो गांव वैसा ही है, और वहां पर हम पहुंचे और एक घर के सामने जाके देखा, बाहर दरवाजे पे क्रूस बना था, और उसको खटखटाया, भैया दरवाज़ा खोलिए खोलिए, बहुत देर तक खड़े रहे, पैर थके हुए, बहुत तकलीफ़ हो रही थी, पैरों में चोट लगी, सिर में भी आवाज़ नहीं आई। फिर मैं ज़ोर से बोली, बहन जी, मम्मी जी, आंटी, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए, हम लोग प्रभु के लोग हैं। जब मेरी आवाज़ सुनी तब वो घर का माँ का मन थोड़ा नरम हो गया, कहते खोल के देखते हैं। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला, खोलते पूछे, कौन है आप, कहाँ से आए? हमने कहा हम पंजाब से आए हैं, साधु सुंदर सिंह के भांजा और भांजी हैं। साधु सुंदर सिंह का नाम सुन के ही वो भाई एकदम खुश हो गया, मेरा भैया को गले लगा लिया, इस माँ ने मुझे गले लगा लिया, आइए आप लोग प्रभु का लोग हमारे घर में, हमारा घर तो पवित्र हो गया, अंदर लेके गए। अंदर ले जाने के बाद उन्होंने लाइट जलाई और देखा हमारे पैरों से खून ही खून बह रहा था, हाथ पैरों से खून निकल रहा था, सिर फटा, यहाँ से खून आ रहा। वो कहते हैं अरे ये ऐसा क्या हुआ, क्या क्यों इतना खून निकल रहा है? हमने कहा हम जंगल के रास्ते से चल के आए। बाप रे, इस रास्ते से तो कोई जिंदा बच के नहीं आया, आप कैसे बच के आ गए? हमने कहा हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है और वो हमें जिंदा लेकर आया है, हालेलुया। और वो बहुत खुश हुए। उस माँ ने पूछा कुछ खाया? मैंने कहा नहीं, कुछ भी नहीं खाया। अच्छा तो मैं कब से नहीं खाया बेटे? मैंने कहा आज 6 हो गए। हैं 6? कैसे 6 हो गए? मैं कहा 5 तो ट्रेन में थे, हमारे पास कुछ नहीं, पैसे नहीं, हम लोग खरीद के नहीं खा सके। आज सारा दिन रंगिया में पूरा शहर घूमा लेकिन किसी ने भी हमें खाने को नहीं दिया। इस तरह 6 हो गए। वो माँ रो पड़ी, कहती मैं अभी बनाती हूँ। मैंने कहा अभी रात के 2:30 बज गए, अभी रहने दो, अभी नहीं खाएंगे, कल खा लेंगे सवेरे, सवेरे बनाना। नहीं नहीं मैं अभी बनाऊंगी। और उस माँ ने जल्दी से आटा गूंदा, रोटियां बनाई और हमें रात को खिलाई, हालेलुया। प्रभु का वचन में लिखा है भजन संहिता 34:10 में, शेरों के बच्चे तो भूखे मर जाएंगे लेकिन प्रभु अपने बच्चों को कभी भी भूखे मरने नहीं देता है। मैं आपके सामने गवाही हूँ, मुझे प्रभु ने 6 के बाद रात के 2:30 खाने को दिया और मैं आज के सामने जिंदा बैठी हूँ, हालेलुया। नहीं तो कोई और होता तो जिंदा नहीं रह सकता था। इतने दिन एक कमज़ोर बच्ची, मैं बिल्कुल पतली दुबली थी, कितनी बड़ी बीमारी के बाद प्रभु ने मुझे दोबारा जिंदा करके उसी दिन ही परीक्षा शुरू हो गई, सोच के देखो।
और कभी ना भूखे रहने वाले को उस दिन एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, छः दिन तक भूखे रहने पड़ा। लेकिन परमेश्वर ने दोबारा हमें जीवन दिया, खाना दिया और उसी घर में हम लोग रह के प्रभु का कार्य करते रहे। वो भाई आज भी जिंदा है, उनका नाम फ्रेडरिक दत्त है, वो वहाँ के स्कूल का हेडमास्टर था, और उनकी पत्नी इंदिरा दत्त वो वहाँ की टीचर स्कूल की, आज भी वो लोग जिंदा हैं। अभी इलाहाबाद में रहते हैं, उनका घर इलाहाबाद में है, और वहाँ उसी इलाहाबाद में हम काफ़ी साल पहले गए थे प्रचार करने, वहाँ सिस्टर आरती उसी वहाँ के बाइबल कॉलेज में पढ़ी हुई हैं, और वहाँ पर हमारी बड़ी कन्वेंशन हुई थी, तब वो ही पास्टर भाई ने आके सबके सामने गवाही दी थी। शांता इतनी छोटी सी बच्ची थी, फ्रॉक पहन के लहूलहान, पैर से खून निकल रहा था, और इस तरह हमारे यहाँ आई थी। तो जैसे उन्होंने बोला, सारे लोग रोने लगे, इतना 10,000 लोग बैठे थे वहाँ, बड़े ग्राउंड में प्रोग्राम हो रहा था, और सब लोग रोने लगे थे। तो मेरे प्यारे बहन और भाइयों, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, उसने आज भी मुझे जिंदा रखा है। 14 साल की उम्र से लेकर आज 66 ईयर हो गए, 66 साल तक प्रभु मेरे उंगली पकड़ के मुझे चला रहा है, मुझे उठाए फिरता है। हालेलुया, क्योंकि उसका वादा है, वचन में लिखा है, तुम बूढ़ी हो जाओगी तो भी मैं तुम्हें उठाए चलूँगा, है ना। तो वो परमेश्वर लेके चल रहा है, और उसने नहीं छोड़ा है, नहीं भूला है। मेरे रिश्तेदारों ने मुझे छोड़ दिया, मेरे भाइयों ने, बहनों ने छोड़ दिया, लेकिन प्रभु ने नहीं छोड़ा। मेरा बड़ा भैया साधु किशन सिंह अभी नहीं है इस दुनिया में, वो प्रभु के पास चले गए 1998 में, और जब वो प्रभु के पास जा रहे थे मैं बहुत रो रही थी, क्योंकि मेरे लिए मेरे माँ बाप भी वही थे, मेरे गुरु भी वही थे, मेरा भाई भी वही था। जब वो ऐसे जा रहे, मुझे बहुत मुश्किल हो रहा था, मैं कैसे जीऊँगी। मैंने कहा, मैं रो रही थी, तो मेरे भैया ने कहा, शांता रोना नहीं है, तुम ये सोच रही हो मैं मर जाऊँगा, मैं ही मरूँगा, यीशु तो नहीं मरेगा, यीशु तो जिंदा है, हालेलुया, और वो तेरे साथ रहेगा, और तुझे कभी कमी ना होगी, जहाँ भी तू जाएगी तुझे बहुत से भाई बहन मिलेंगे, हालेलुया। सच में अभी मैं देख रही हूँ, इतने भाई इधर बैठे, बहनें बैठी हैं, आप लोग सब मेरे बहन भाई हैं। मैं आपको नहीं जानती थी, आप मुझे नहीं जानते थे, लेकिन यीशु का प्रेम है जिसने हम लोगों को परिचित कराया है, और इसलिए हम आज प्रभु में खुश हैं, आनंदित हैं कि प्रभु हमारे साथ है, और वो हमें चला रहा है। उसी आसाम में अभी भी हूँ मैं, और मेरे पास प्रभु ने अभी घर भी दे दिया, जहाँ बिल्कुल कुछ नहीं था, जंगलों में हमने दिन गुजारे, रास्तों पर रहते थे, पेड़ के पत्ते खाते थे, पत्ते भी, और कई कई बार ये जगह जगह लौकी की लता, तोरई की लता, क्या बोलते हैं, कद्दू, लौवा कद्दू का लौवा बोलते ना, लौका लौका, ऐसे लटकते रहता था, वही काट के ले आना, वो कच्चा खा के पेट भर लेना, कुछ भी खाने को नहीं होता था। बहुत तकलीफ उठाई हमने, लेकिन प्रभु को नहीं छोड़ा। एक गांव में थे, वहाँ सब लोग आते, प्रार्थना कराते, प्रार्थना करते, लेकिन कोई भी हमारे लिए कुछ खाने को नहीं देता, घर भी नहीं बुलाते खाने को, पता नहीं वो लोग को क्या, प्रभु जाने क्यों नहीं करते। और वहाँ पर एक छोटी सी झोंपड़ी में रहते थे, और उसमें अपने आप लौका का वो लग गया, अपने आप पत्ते और बेल, और उसमें रोज लगते, रोज वो सवेरे भी उसी को काट के खा लेना, दोपहर को भी वही, रात को मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच, रात का खाना वही, खा के एकदम 2 महीना लगातार वही खाना। एक दिन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा प्रभु पे, और मैं प्रभु से लड़ाई कर रही, वो लौका को लेके काट रही थी, और काटते काटते बोले, क्या प्रभु आप खाली लौका ही लगाया उस पेड़ में, उसमें और दूसरा चीज़ नहीं लगा सकते क्या, उसमें केला लगा देते, अमरूद लगा देते, या उसमें रोटी ब्रेड लगा देते तो कितना अच्छा होता, आसानी से खा सकती थी। तो मेरे भैया पीछे खड़े थे, वो गाके कहते हैं, शांता ये क्या लड़ाई कर रही है प्रभु से। मुझे रोना आ गया, मैं रोके कह रही, भैया क्या करूँ, इतना दिन हो गए खाली हम लोग रोज लौका खा रहे, लौका खा खा के मैं तो तंग आ गई, इसलिए प्रभु को बोल रही थी, उस पेड़ में ब्रेड लगा देता, रोटी लगा देता, या केक लगा देता तो कितना मज़ा आता, प्रभु तो सब कर सकता है। तो मेरे भाई बोलते, नहीं ऐसे बात नहीं करते हैं, सुनो अगर तुमको ये खाने का मन नहीं है, कुछ और खाने का मन है, तो हम एक आपको तरीका बताते हैं। मैं कहाँ, बताइए क्या करना है। कहते हैं, जाओ थोड़ा लौका ले जाओ, वो सामने एक हिंदू भाई का घर है, वहाँ ले जाके दे दो, और वो तुमको पैसा देगा। तो पैसा मत लेना, उनको बोलना हमको खाने का कोई चीज़ दे दो, आटा है तो आटा, नहीं तो
चावल दे दो। बोले आके तुम चावल बना के खा सकते हैं, रोटी खा सकते हैं। मैं खुश हो गया, हाँ ऐसे कर सकते हैं, हाँ क्यों नहीं कर सकते, जाओ ले जाओ। मैंने जल्दी से जाके पीछे देखा, छप्पर के ऊपर चढ़ के तो मोटा मोटा इतना बड़ा बड़ा लौका लगा हुआ था। वो ले आके 3-4 बैग में डाला और पास के घर में गई, उनको जाके बोला, आंटी जी आंटी जी आप लोग को लौका चाहिए? बोलते लौका अच्छा है, ताजा है? हाँ हाँ दिखाओ। मैंने दिखाया तो ओ बहुत सुंदर है, कितना पैसा चाहिए? मैं कहा नहीं पैसा तो नहीं चाहिए, आपके घर में आटा है क्या? बोलते नहीं हम लोग आसाम का लोग आटा नहीं खाते, हम लोग चावल खाते हैं। ठीक है चावल ही दे दो। ओसमा ने इतना सारा चावल मेरे बैग में डाल दिया, मैं तो इतना खुशी, ओ आज तो हमको चावल मिल गया, आज तो हम चावल खाएंगे। दौड़ के ले आई, भैया देखो कितने सारे चावल मिल गए। मेरे भैया बहुत खुश, चलो अभी चावल पकाते। तो एक छोटा सा बर्तन था हमारे पास, उसी में चावल धो के चूल्हा था जला दी और उस पर रख दिया। अभी चावल पक रहा था, चावल पकने से इतना अच्छा खुशबू लग रहा, ओ आज तो हम चावल खाएंगे, ऐसा लग रहा है चावल खा रहे, लेकिन ऐसा लग रहा था बिरयानी बन रहा है और पूरा मुंह में खुशबू आ रहा है। मैंने कहा भैया चावल क्या अकेले चावल ही खाएंगे, इसके साथ तो दाल सब्जी कुछ होना चाहिए। मेरे भैया कहते ओ तुम्हारा डिमांड बढ़ता जा रहा है ना, पहले चावल मांगा अभी दाल भी, अच्छा ठीक है मैं दाल बना दूंगा। मैं क्या आप कैसे दाल बनाएंगे? कहते रुक अभी बनाता हूँ। तो वो चावल का पानी निकालते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, माड़। चावल का माड़ निकाला, निकालने के बाद उसमें थोड़ा नमक डाल दिया, थोड़ी हल्दी डाल दी, मिला के बोलते हैं लो दाल बन गया। हाँ मैं तो बड़ी खुश। और सच में जब चावल के ऊपर वो डाला ना माड़े माड़ को, वो जो वो था, लेकिन वो प्रभु ने दाल में बदल दिया। जैसे हमने खाने लगे एकदम पूरा दाल का टेस्ट, अरे ये तो बहुत अच्छा दाल भात बन गया, तो बड़ा मज़े से खाएंगे। और उसी तरह हमने बहुत दिन तक वो चावल खाए उस आसाम में जहाँ ये सब हुआ। आज भी लोगों को इसका साक्षी है, वो लोग देखा है, जो लोग वो लोग को मालूम है कि कितना कष्ट हमने वहाँ उठाया और हम वहाँ पर रहे, बहुत कष्ट उठा के प्रभु का सेवा वहाँ 50 साल मैं करती रही हूँ। पिछले अभी कुछ सालों से प्रभु ने अद्भुत रीति से सब कुछ हमको दे दिया, जहाँ कुछ भी नहीं था आज वहाँ पर हमें एक घर प्रभु ने दिया, एक चर्च भी बड़ा सा चर्च, आपके चर्च से भी थोड़ा बड़ा वो प्रभु ने दे दिया है। और वहीं पर अभी मेरे पास अनाथ बच्चे, मैंने बहुत से 200-250 बच्चों को मैंने पाल के, जिनका कोई माँ बाप नहीं, भाई बहन नहीं, कोई नहीं पूछता था, उनको हम ले आके अपने आश्रम में रखा, उनको स्कूल भेज के इंग्लिश मीडियम में पढ़ा के, कोई बीए पास किया लड़की लोग, उनका शादी किया, नर्सिंग ट्रेनिंग कराया, ऐसे करके मैं उन सब बच्चों को पढ़ा के बड़ा किया। अभी भी मेरे पास छोटे छोटे एक 5 साल से लेके 18 साल तक के बेटा बेटियाँ हैं मेरे पास, और वो 10 बच्चे हैं, 2 विधवा माएँ लोग हैं, 2 लड़कियाँ काम करने वाली अभी हैं उनको संभालने वाली, सब मिला के, और एक पास्टर उनका परिवार भी है, दीपक पास्टर, उनका वाइफ, उनकी 2 बेटियाँ, सब मिला के अभी 20 लोग हैं। 20 लोग को हर दिन प्रभु खाने को देता है, हालेलुया। हमारा कोई नौकरी नहीं है, कोई कलीसिया नहीं है, उधर कोई प्रभु को जल्दी ग्रहण नहीं करता है, बहुत मुश्किल लोग हैं वो लोग। और इतना चमत्कार वहाँ में होता है, मरा हुआ भी जिंदा हुआ प्रार्थना से, बीमारी लोग भी अच्छा हुआ, वो लोग थोड़ा देनी आके हाँ प्रभु अच्छा है बोल के फिर वो लोग ऐसे रहते हैं, ऐसे लोग हैं, लेकिन प्रभु ने हमें नहीं छोड़ा। और इतने लोगों को परमेश्वर रोज खाने को देता है और हम लोग को चला रहा है, और आज तक उसने नहीं छोड़ा, क्योंकि प्रभु ने वादा किया ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, वो परमेश्वर हमारे साथ है। वहाँ से ही दुनिया के कोने कोने में प्रभु मुझे लेके गया। अभी हिंदुस्तान क्या, पूरा दुनिया, मतलब इंग्लैंड, जर्मन, जापान और सिंगापुर, मलेशिया, दुबई, इराक, ईरान, उसके बाद जर्डन, यरूशलेम, ये सब, मलेशिया, सिंगापुर, सब कंट्रीज़ में प्रभु मुझे लेके जा रहा है और प्रभु इस्तेमाल कर रहा है। पिछले कुछ सालों से लगातार परमेश्वर, मेरे पास टिकट के लिए पैसा भी नहीं है, वही जैसे उस दिन ट्रेन में टिकट के लिए पैसा नहीं था, वैसे आज भी टिकट के लिए पैसा नहीं है। प्रभु का लोग ही अपने आप टिकट करके बुलाता है, फ्लाइट का टिकट भी उधर के लोग ही भेजता है, इधर आने के लिए भी मेरे पास टिकट का पैसा नहीं, आपका पास्टर तिमोथी टिकट बना के भेज दिया, हालेलुया।
तो इस तरह मैं आपके पास आई हूँ। अभी जाने के लिए भी वही लोग टिकट करके भेज रहे हैं, ठीक है। तो प्रभु चला रहा है और ये प्रभु का अद्भुत कार्य है। आप जैसे प्रेमी भाई बहन जो मेरे साथ मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, मुझे ये उम्मीद है कि आप लोग आगे भी मेरे लिए प्रार्थना करेंगे। करेंगे? कितने लोग प्रार्थना करेंगे? हालेलुया। तो मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूंगी, आप भी मेरे लिए प्रार्थना करेंगे और हम प्रभु के साथ रहेंगे हमेशा। प्रभु हमारे साथ रहना चाहता है और इसीलिए उसने हमें रचा है। और वचन में क्या कहा है? मैं फिर वापस आने वाला हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ। प्रभु क्यों आने वाला है मालूम है? किस लिए प्रभु आ रहा है दुनिया में? हमें अपने साथ ले जाने के लिए। हालेलुया। तैयार हो आप जाने के लिए यीशु के साथ? क्योंकि प्रभु चाहता है हम लोग उसके साथ आनंदित रहें, खुश रहें। बहुत सुंदर जगह है, शांति का राजकुमार हमारा प्रभु वहाँ पर राज करता है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। वो चाहता है हम लोग भी उसके पास आनंद में रहे। वहाँ ना आंसू है, ना दुख है, ना परेशानी। यहाँ पे दुनिया में घर घर में चिंता है, बीमारी है, परेशानी है, लड़ाई झगड़ा है, शराब है, नशा है, बच्चा लोग माँ बाप का बात नहीं मानता है, ऐसे बोल के माँ लोग दुखी है ना। तो ये सब दुख है इस दुनिया में, लेकिन प्रभु के राज में कोई दुख नहीं है, वहाँ खुशी और खुशी है। तो हमें तैयार होना है प्यारे बहन भाइयों। ये सुन के चले जाना नहीं है, मेरी टेस्ट में आपने सुना, अच्छा किया। इससे आपको क्या प्रोत्साहन मिला? आप सोच सकते हैं हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, उसने हमारे लिए इतना कुछ किया। जब हमारा प्रभु आएगा तो वो हमसे पूछेगा, एक क्वेश्चन प्रभु ने हम सबसे पूछना है, वो क्या कहेगा? बच्चों तुम्हारे लिए मैंने क्रूस उठाया, क्रूस पे अपनी जान दी, तुम्हारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा होकर स्वर्ग में, और फिर तुमको लेने आया हूँ, तुमने मेरे लिए क्या किया? तब आप क्या जवाब देंगे प्रभु को? आपने प्रभु के लिए कुछ किया? वो है हमारी तैयारी। आज ही हमको सोचना है, हम अभी प्रभु के लिए कुछ करना है, हम प्रभु के लिए विश्वास में खड़े होना है, हम प्रभु के लिए बहुत सी आत्माओं को जीतना है। हमारे बहुत से भाई बहन, हमारे फ्रेंड, हमारे रिश्तेदार अभी भी प्रभु को नहीं जानते, कभी आप उनके पास जाना है, उनको बताना है, प्रभु का गवाही देना है। इसलिए हमको गवाह बनाए परमेश्वर ने हम सबको, सिर्फ शांता कौर को, साधु सुंदर सिंह, साधु किशन सिंह, या पास्टर दानियल को, सिस्टर आरती को, हम लोग को नहीं, आप सबको भी प्रभु ने चुना है। आप भी उसके बेटे बेटियां हैं और हम सबका ये फर्ज बनता है अपने प्रभु के लिए खड़े हों, विश्वास में स्थिर हो। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, अपने सिरों को झुकाइए। आप मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरे आश्रम के बच्चों के लिए, हमारी मिनिस्ट्री के लिए, और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु आपको आशीषित करे। हालेलुया। सारे मिल के मुँह खोल के प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। थैंक यू फादर, तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु जी तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, सामर्थी परमेश्वर, तेरे नाम की जय जयकार कर। तूने सब कुछ प्रभु हमारे लिए सिद्ध किया है और आज भी तू करता है, कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं भूलता। एक एक को जो तेरे बेटे बेटियां प्रभु तेरे चरणों में यहाँ पर बैठे हैं, तो उनको आशीषित कर प्रभु, बरकतों से भर दे पिता परमेश्वर, एक भी इसी तरह ना जाए प्रभु, तेरी आत्मा के अभिषेक से भर परमेश्वर, तेरे लिए जीवित रहे, तेरे नाम की महिमा प्रशंसा, तेरे नाम के अनुरूप करें प्रभु जी। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर दया कर प्रभु, हर एक को आशीषित कर। अपने लहू से प्रभु तूने हमें खरीदा है और तू अपने लोगों को बहुतायत से आशीषित करना, जीवन देने वाला सामर्थी परमेश्वर। इस नगर के लिए प्रार्थना करते प्रभु, इस गांव के लिए बहुतायत से आशीष दे प्रभु, यहाँ के जवानों के लिए, जवान बेटियों के लिए, माओं के लिए, बहन भाइयों के लिए प्रभु, जो तुझे नहीं जानते तुझे जानने पाए, तेरे चरणों में आए प्रभु। तू दया कर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, आशीष दे, दया कर प्यारे प्रभु जी। थैंक यू जीसस। हालेलुया परमेश्वर। थैंक यू जीसस। मुल्क को क्षमा करने वाला प्रभु है, दया करने वाला परमेश्वर है,
दया कर प्रभु अपने लोगों पर, अपने प्यारे बच्चों पर जो तुझसे प्रभु आशीष मांग रहे, तो उनको आशीषित कर प्रभु, कोई भी बाकी ना रहे। तेरा अनुग्रह आशीर्वाद हर एक के ऊपर हो, अनुग्रहकारी परमेश्वर दया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु दया करना, रहम करना प्रभु, आज तक संभाले, आगे भी संभाले, अपने पवित्र प्रेम से प्रभु हमें भर दे, भर दे पिता परमेश्वर, अपने लोगों को जो यहाँ पर आए हैं प्रभु, छुटकारा दे, छुटकारा दे पिता, छुटकारा दे प्रभु जी। हम तेरे लिए तैयार रहें प्रभु, जागते रहें, तेरे नाम की महिमा करने पाए प्रभु, जैसे वचन में लिखा है, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, बलवंत बनो, पुरुषार्थ बना दिखाओ। हाँ परमेश्वर, हम तैयार हो तेरे लिए, तेरे नाम की महिमा करने के लिए प्रभु, हमें इस्तेमाल कर, इस्तेमाल कर प्रभु, दया कर। थैंक यू जीसस, हालेलुया परमेश्वर, हालेलुया परमेश्वर, दया कर प्रभु जी, एक एक तेरे बेटे बेटी को अपने अनुग्रह से भर दे पिता पर, तेरी गवाही बना प्रभु जी, हम इस दुनिया में रहते हुए प्रभु तेरी ओर हमेशा प्रभु देखते रहें, तेरे हाथों पर भरोसा करते हैं। तू चंगाई देने वाला, तू सामर्थ्य परमेश्वर, तू दया करने वाला प्रभु है, दया कर अपने लोगों पर, दया कर प्यारे प्रभु जी, सबके साथ हो, प्रार्थना को सुन ले पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया परमेश्वर, कृपा करो प्रभु जी, दया करो, दया करो प्रभु जी, आशीर्वाद दो यीशु महान परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरियस फादर, वी थैंक यू फादर, वंडरफुल लॉर्ड, तेरे महान पवित्र जीवित नाम के लिए पिता, तूने ये मौका हमें सभी को दिया, तेरे उस चरणों में बैठकर तेरे नाम के धन्यवाद स्तुति कर सके प्रभु। इस गांव को, इस शहर को, इस नगर को, इस नेपाल को प्रभु तो आशीषित कर, एक एक जीव जो तेरी ओर प्रभु अग्रसर होते, जो प्राणी तेरी ओर आते प्रभु, तू उनको स्वीकार कर, ग्रहण कर प्रभु, हर एक भाई बहन को आशीषित कर पिता परमेश्वर। इस जगह पे प्रभु तेरे जितने भी विश्वासी बेटे बेटियाँ हैं, बहुताज से आशीष पाएं, तेरे लिए स्थिर रहें, विश्वास में बढ़ते जाएं, आशीर्वाद दे पिता, प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर, प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगती हूँ, आमेन, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद।